हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, एक डेटा एनालिस्ट के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज लाइक सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम सीक्वल, पावर बीआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, हम पाइथन की नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पाइथन की नॉलेज फ्रेंड हम थ्योरेटिकल नहीं देंगे आपको, हम एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम होता है। हम आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिसिस के लाइफ साइकिल समझाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेक्ट चार्टर जिसमें हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो समझाएंगे, एंड देन ओनली हम एक्चुअल पाइथन में कोड करेंगे। एक पूरी तरीके से आपको हम चाहते हैं कंप्लीट पाइथन की नॉलेज हो। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जो होता है उससे आप फॉर द टाइम बीइंग तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा मोटिव है कि आपको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से समझाया जाए पाइथन को। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम एक 3-पार्ट सीरीज बनाने वाले हैं, 3-पार्ट प्रोजेक्ट सीरीज में कहूँगा बनाने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट चार्टर के फीचर्स और क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो बेसिकली उन चीज़ों को हम डिटेल में समझाएंगे। सेकेंड पार्ट में फ्रेंड्स हम ETL, एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ परफॉर्म करेंगे यूजिंग पाइथन। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी KPIs के बेसिस पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे, चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ये सब बनाएंगे हम, और एक एनालिटिकल रिपोर्ट को फाइनली डिजाइन करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सब कुछ रहने वाला है इस 3-पार्ट सीरीज में, और आपको एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है। एक हर एक पार्ट को आपको डिटेल में देखना है, हर पार्ट से नॉलेज गेन करनी है, तभी आप रियल वर्ल्ड इंटरव्यूज को क्रैक कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगेन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोज मिलती रहेंगी फ्यूचर में। तो अब फ्रेंड्स एक बार डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। तो डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूज केस। देखिए, बिजनेस यूज केस कहूँ या फिर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहूँ, एक ही बात है। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, क्या अगर वो कोई इशू फेस कर रहा है या फिर उसे अपनी जो करंट जो उसके प्रोसेसेस हैं उनको एनहांस करना है, उसको कॉम्पिटिटर्स जो उनकी स्टडी करनी है कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। तो इन सब सिनेरियो को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इन समराइज करूँ इस चीज़ को, तो बिजनेस यूज केस की अंडरस्टैंडिंग एक डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधे अपनी बेसिकली हम अपनी विजुअलाइजेशन पे या डेटा कंसोलिडेशन को स्टार्ट कर देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूज केस, तो जो एंड रिजल्ट्स आएंगे वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ बताया, स्टेप वन में आपको बिजनेस यूज केस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताऊँ, तो लेट सपोज अगर हमारा कोई रिटेल क्लाइंट था और रिटेल क्लाइंट ने हमारे को एक रिक्वायरमेंट दी कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर बाय ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर फॉल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक यूज केस आया या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें सारे सिनेरियोज को कि किस रीजन में फॉल हो रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सिनेरियो है ऐसा या कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से प्रॉफिट्स फॉल हुए, तो ये सारी स्टडी हमें करनी होती है। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूज केस। अब फ्रेंड बात करते हैं सेकंड स्टेप की, दैट इज डेटा कंसोलिडेशन। देखिए, डेटा कंसोलिडेशन मींस अब हमारे को देखिए ये पता चल गया कि यूज केस है हमारा, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा कि प्रॉफिट्स फॉल हो रहे हैं। अब प्रॉफिट्स किस रीजन की वजह से फॉल हो रहे हैं, उस रीजन से रिलेटेड सारा डेटा को हमें कंसोलिडेट करना होगा। फ्रेंड्स, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमें कभी भी एक जगह पे सारा डेटा नहीं मिलेगा, हमें मल्टीपल जगह से डेटा को कैप्चर करना होता है। तो वो मल्टीपल जगहों को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद फ्रेंड्स वहाँ से डेटा को, जो हमारा डेटा आया है उसको कंसोलिडेट करना, ये हमारा इम्पॉर्टेंट एक प्रैक्टिस रहती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेंड्स क्या है कि जैसे अब हमारे पास रॉ डेटा आ गया, अब इस रॉ डेटा पे फ्रेंड्स हमारे को जैसे इसके अंदर कोई नल वैल्यूज थी या फिर हमारे पास कोई डुप्लीकेट था डेटा यहाँ पे, या फिर मल्टीपल तरीके से जैसे हमें डेटा कन्वर्जन करना था डिजायर्ड फॉर्मेट में लेके जाने के लिए, इस तरीके से मल्टीपल आस्पेक्ट रह सकते हैं। तो इन भी पॉइंटर्स को हमें ध्यान देना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है अपने डेटा को, तभी हमारा जो डेटा होगा हमारे को एनालिसिस के लिए फिट होता है। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रॉ डेटा हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट में चेंज हो गया, तो हम एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब एनालिसिस स्टार्ट करते ही हमारे पास दोस्तों थर्ड स्टेप आता है, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा है, जो भी हमारा ये ट्रांसफॉर्म डेटा आया है, इसके बेसिस पे हम डिफरेंट तरीके से चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इस तरीके के एस्पेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं चार्ट्स की बात करूँ, तो अगर हम कोई ट्रेंड एनालाइज करना है तो लाइन चार्ट देख रहे हैं, कोई कैटेगोरिकल डेटा देखना है तो हम पाई चार्ट यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हिस्टोग्राम्स बना रहे हैं हम किसी प्रोसेस, ये हम अलग अलग एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और एक विजुअल अपील दे सकते हैं। फ्रेंड्स चार्ट्स का एक यही एडवांटेज होता है कि एक विजुअल अपील दे पाए हम एंड यूजर को, और साथ ही साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो भी बेटर हो सके। इसी तरीके से फ्रेंड्स जब जो लास्ट स्टेप होता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब हमने फ्रेंड्स क्या किया, विजुअलाइजेशन कर ली हमने, उसके बेसिस पे तो हमने चार्ट्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे हमें दोस्तों कंक्लूजन डिराइव करना होता है। देखिए जितनी भी हमने एनालिसिस की है, विजुअलाइजेशन की है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर हम चीज़ों को कंक्लूड ना करें, उनसे इन्फ्रेंसेस ना निकालें। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर फ्रेंड्स यही होता है कि हम ट्राई करें कि एक एनालिटिकल रिपोर्ट को डिज़ाइन करें, एनालिटिकल रिपोर्ट में हमने जो भी विजुअलाइजेशन या बनाई हैं उनको शामिल करें, उनको जैसे पाई चार्ट है या बार चार्ट है उनको दिखाएं, और उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या कंक्लूजन कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन हमने डिराइव किया है उसको लिखें, और इस एनालिटिकल रिपोर्ट को जो हमने ये एनालिटिकल रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है इसको हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। ये दोस्तों फोर स्टेप प्रोसेस रहती है, जिसमें फर्स्ट हमें बिजनेस यूज केस को समझना होता है, सेकंड हमारे को क्या करना होता है डेटा कंसोलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड हमें क्या करना होता है विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस, एंड फोर्थ हमें करना होता है एनालिटिकल रिपोर्ट कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये चार स्टेप प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस को समझना फ्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको नहीं समझेंगे और सीधे अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो हमारे जो एंड रिजल्ट्स आएंगे वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, जो भी हम चीज़ हमें परफॉर्म करनी है उसके पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल आपको समझ आई होगी। तो अब फ्रेंड्स डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल समझने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट चार्टर की तरफ चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट चार्टर जो हमारा डिज़ाइन होता है और क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं, और इस प्रोजेक्ट में हमने किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट चार्टर को यूज़ करने वाले हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोजेक्ट चार्टर रहेगा। ये प्रोजेक्ट चार्टर मैंने आप लोगों के लिए खुद डिज़ाइन किए हैं, जिसमें जितने भी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स सारे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने हमारा जो टॉपिक होगा प्रोजेक्ट का, दैट विल बी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो हमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से एफिशिएंटली वेस्ट वाटर को मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर हमारे को एनालिसिस परफॉर्म करनी होगी। तो अगर हम अपने बैकग्राउंड को देखें यहाँ पे, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एम्स टू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इन यूएस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेसिकली हम जो होंगे वो यूएस ज्योग्राफी को के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो यूएस से हमारी ज्योग्राफी रहने वाली है, यहीं का सारे जो डेटा होगा के ऊपर हम अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें आगे, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर अक्रॉस वेरियस लोकेशन, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर एफिशिएंट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स जो हमारे प्लांट्स हैं, आगे जाके आपको डिटेल में भी बताऊंगा ये बात, तो मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो वाटर को ट्रीट करते हैं, उनकी डेटा को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं।
ये बेसिकली हमारा, मैं कहूँगा एक हमारा बिजनेस यूज केस रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स, एक डमी प्रोजेक्ट डिटेल्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ मेंशन किए हैं, जिसके अंदर मैनेजर, लीडर, मेंबर्स, ओवरऑल बजट, टाइमलाइन, इनकी डिटेल्स दिए गए हैं। तो जब आप फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं, क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम करते हैं, आपको भी कुछ इसी तरीके से डिटेल्स वहाँ पे मिलते हैं। टाइमलाइन, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, ओवरऑल बजट होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलती हैं। तो मेरा पर्पस इस प्रोजेक्ट चार्टर को बनाना फ्रेंड्स यही है, आपको एक फील आए कि किस तरीके से डेटा एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, किस तरीके से वो अपनी एनालिसिस के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको यूज़ करता है, उनके फीचर्स को स्टडी करता है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, उन सबको पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करेंगे हम। फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने गोल्स को देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने गोल्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो फर्स्ट गोल है फ्रेंड्स, दैट इज एंश्योर एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए एक बात यहाँ पे आपने देखा होगा, बार बार एफिशिएंसी के ऊपर फोकस हो रहा है, एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हमें क्या करना है, हमें एफिशिएंसी का एक KPI जरूर गैदर करना होगा। मैं आगे जब हम KPIs के बारे में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। पर यहाँ से हमारे को एक ग्लिम्स मिल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट वाटर पे हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा गोल है, दैट इज इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड परफॉर्मिंग एनालिसिस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल के अंदर भी कि हमको जो डेटा होता है उसको गैदर करना होगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज जो वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं, वहाँ से हमें डेटा लेना है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज से डेटा लेना है, ट्रीटमेंट प्लांट्स का, तो मल्टीपल सोर्सेज होंगे जहाँ से हमें डेटा गैदर करना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स एनालिटिकल रिपोर्ट, आप लोगों याद कीजिए जो हमारे स्टेप 4 था, डिजाइनिंग एनालिटिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पे वो हमारे गोल है, हमें एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनानी है आफ्टर परफॉर्मिंग आवर एनालिसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिटिकल रिपोर्ट वी नीड टू प्रोवाइड द रिकमेंडेशन। हमें सजेशंस और मैं कहूँ डिसीजन मेकिंग, जो मैं पॉइंट आप लोगों को बोल रहा था डिसीजन मेकिंग का, तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिटिकल रिपोर्ट। ये तो रहे फ्रेंड्स हमारे हाई लेवल गोल्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला जो है, दैट इज डेटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। द प्रोजेक्ट एम्फेसिस लाइज ऑन कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू ट्रीटमेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिजल्ट्स। दीज मेट्रिक्स आर यूज फॉर एनालाइजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। तो अगेन मैं जैसे आपको बताया, इन सोर्सेज से हमको डेटा को कैप्चर करना होगा और उसके ऊपर एफिशिएंसी बेसिकली क्या है और क्या क्या यूटिलाइजेशन है, इन पैरामीटर्स को स्टडी करना होगा। दूसरा रहेगा परफॉर्मेंस एनालिसिस। द प्रोजेक्ट एम्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। इट सीक्स टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट एफिशिएंसी, एनहांस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगेन इफेक्टिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, इन पैरामीटर्स पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारी KPIs आके डिजाइन होंगी। तो फ्रेंड्स अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप गोल्स को, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इसको ध्यान से पढ़िए जो भी आपको क्लाइंट ने दिया है, क्योंकि तो वहीं से ये आपको KPIs के जो पॉइंटर्स होते हैं उनके आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स एनालिसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर। द प्रोजेक्ट रिकोगनाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर एंड देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट एम्स एनालाइज वेस्ट वाटर बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज सच एज रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, टू आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियल हमारा एक सोर्स हो गया, इंडस्ट्रियल सोर्स हो गया हमारा, और हमारा हेल्थ केयर एक सोर्स हो गया, और हमारा एक रेजिडेंशियल हमारा एक सोर्स हो गया। इस तरह से मल्टी वाटर आएगा, जो वाटर आता है वेस्ट वाटर उसकी ट्रीटमेंट वो हमें बेसिकली एनालाइज करना है ना, हाई लेवल अगर मैं आपको बोलूँ। ये सारे पैरामीटर्स को आपको डॉक्यूमेंट पढ़ के ही क्लैरिटी
इसके बाद फ्रेंड्स हम मैं कुछ डिलीवरेबल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जो फर्स्ट डिलीवरेबल में बात करें डेटा कंसोलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिलीवरेबल, बट हमारे को गाइड किया गया है कि वी नीड टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर इंटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सुटेबल फॉर एनालिसिस। तो बेसिकली हो सकता है हमारा जो रॉ डेटा आया हो उसको हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। तो जैसे मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल में बता रहा था स्टेप टू के अंदर कि हमारे को ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, तो यहाँ उसी पॉइंटर को डिटेल में बताया गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं KPI। जो हमने अभी तक गोल्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स को, डिलीवरेबल्स, इसको के कुछ पॉइंटर्स को अगर मैं समराइज करूँ, वहीं से हम KPIs को डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ हाई लेवल KPIs को मेंशन किया है, जिसमें मैंने पहला पॉइंट जो KPI है वो है प्लांट दैट इज ट्रीटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहा है और मिनिमम उनको आइडेंटिफाई करना है यूजिंग बार चार्ट। फिर मैंने कंट्रीब्यूशन की कौन सा सोर्स जैसे इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, रेजिडेंशियल, कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो देखना है हमें पाई चार्ट की हेल्प से। हाईली यूटिलाइज ट्रीटमेंट प्लांट कौन सा है, किसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा हुई है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हाईली एफिशिएंट कौन सा है ट्रीटमेंट प्लांट जो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुली ट्रीट करता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। और डे वाइज एक्टिविटी जैसे संडे मंडे डेली जो एक्टिविटी होती है ट्रीटमेंट प्लांट्स की उसको इवेल्युएट करना है। ये कुछ हाई लेवल KPIs मैंने यहाँ पे डिराइव करे हैं। आप पूरे जिस्ट से जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा होगा उसके बेसिस पर अदर KPIs भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, और उनके बेसिस पे जो तो हमारा अवेलेबल डेटा है उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स एनालिटिकल रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, क्रिएशन ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस। दीज विजुअलाइजेशंस आर हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग KPIs, आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है डेटा ड्रिवन डिसीजंस। देखिए काफ़ी बार आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है व्हाट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन, इसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। डेटा ड्रिवन डिसीजन क्या है, आप लोगों के पास रॉ डेटा था, आपने रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस पर एनालिसिस परफॉर्म की। एनालिसिस के बाद आप कुछ एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद आप कुछ क्या करेंगे, कंक्लूजन लेके आएंगे और कुछ डिसीजन लेंगे। दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन। आपने जो भी डिसीजन लिया वो आपने डेटा के बेसिस पे लिया, आपने डेटा के बेसिस पे लिया, आपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया। इसी चीज़ को हम फ्रेंड्स डेटा ड्रिवन डिसीजन बोलते हैं। ये आप पॉइंटर को ध्यान रखिएगा। के बाद फाइनली रिकमेंडेशन, जो हम रिकमेंडेशन देंगे डेटा एनालिसिस करने के बाद टू ऑप्टिमाइज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। एक ये कुछ डिलीवरेबल्स के को हम मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम एक बार रिस्क को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड डिलीवरेबल्स के बारे में डिस्कशन किया। अब एक बार हम अपने रिस्क को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ रिस्क को मेंशन किया है जो एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला रिस्क जो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। द रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट डेटा कुड इम्पैक्ट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द एनालिटिकल आउटकम्स। इन एफिशियंट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स और डेटा इंटीग्रेशन चैलेंजेस कुड हैम्पर प्रोजेक्ट चांसेस ऑफ सक्सेस। तो बेसिकली अगर हम जो कलेक्शन डेटा कलेक्शन प्रोसेसेस जो होंगी, अगर हमारी डेटा कलेक्शन प्रोसेसेस अगर वो एफिशिएंट नहीं होंगी, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो इनकंसिस्टेंट इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे उससे इनएक्यूरेट मैं कहूँ प्लस इनकंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट आएंगे जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, फाइनल जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, उनको इम्पैक्ट नहीं रखेंगे। इसीलिए हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि
हम एफिशिएंट तरीके से डेटा को कलेक्ट करें, ताकि जो इनएक्यूरेट इनकंसिस्टेंट डेटा वाले जो आता है उससे हम बच सके, और जो डेटा वो हमारा वो एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, कंप्लीट हो, तो ये एम्फेसिस हमें हमेशा रखना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेंशन किया है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। देखिए, आज के डेट में डेटा ब्रीच होना बहुत ही कॉमन है, तो ये हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हम डेटा को कॉन्फिडेंशियल वेस्ट वाटर डेटा से डील कर रहे हैं, जैसे अभी के केस में हमारा वेस्ट वाटर डेटा है, आपके केस में हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड डेटा हो, रिटेल से रिलेटेड डेटा हो, तो ऐसे क्रूशल डेटा ब्रीच ना हो, इसलिए हमें डेटा प्रोटेक्शन के और डेटा सिक्योरिटी के डिफरेंट मेजर्स को लेना होता है। अगर इनएडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस होंगी, अनऑथराइज एक्सेस होगा, डेटा ब्रीचेस उससे रिजल्ट हो जाएंगे। बेसिकली डेटा ब्रीच होगा उससे, और इससे क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम करते हैं उसके में रेप्यूटेशनल उस ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशनल रिस्क होगी, बेसिकली उसकी रेप्यूटेशन अफेक्ट होगी। इसीलिए हमारे को डेटा को जितना भी हम सिक्योर तरीके से हम रख सकते हैं हमें रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। इसके बाद दोस्तों आता है इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिटिक्स रिजल्ट्स रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बायसेस और इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग विल लीड टू इनइफेक्टिव आउटकम। देखिए फ्रेंड, थर्ड पॉइंटर में मैंने कई बार हाईलाइट किया है आप लोगों को इंडस्ट्री नॉलेज। जब भी आप फ्रेंड एक एज डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होना रिक्वायर्ड होती है। अब इंडस्ट्री की नॉलेज से आप फ्रेंड क्या एडवांटेज होते हैं, इससे ये एडवांटेज होता है फ्रेंड, एक तो आपकी मिस इंटरप्रिटेशन, जो भी मिस इंटरप्रिटेशन होता है डेटा को, उससे आप बच सकते हैं। मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे आप डेटा को, आप बेसिकली बायसेस नहीं रहेंगे। बायसेस इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपको कोई पॉइंटर जो आपके लिए फेवरेबल लगता है, आप उसको एम्फेसाइज करके नहीं बताएंगे, आप जो डेटा बोल रहा है वही रिपोर्ट में लिखेंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट में। आपको जो कुछ फैक्टर्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप उस पर एम्फेसिस नहीं करेंगे, आप केवल जो डेटा बोलता है उसी को ही मेंशन करेंगे एनालिटिकल रिपोर्ट में, तो बायसेस से आप बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं कहूँगा इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो भी प्रॉपर होगी, आप अनबायस्ड होकर जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो फ्रूटफुल होंगे। तो अगेन मिस इंटरप्रिटेशन, बायसेस, डिसीजन, बेटर डिसीजन मेकिंग, इन मिस इंटरप्रिटेशन से बच सकते हैं, बायसेस से बच सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अगर आपको एक प्रॉपर इंडस्ट्री नॉलेज रहेगी। तो अगेन मैं एम्फेसाइज करता हूँ, आप ट्राई कीजिए एज अ डेटा एनालिस्ट डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिक्स को स्टडी करने का। इसके बाद दोस्तों जो चौथा रिस्क है, दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज बजट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज बोथ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कुड इंपैक्ट द प्रोजेक्ट स्कोप, टाइमलाइन एंड क्वालिटी। हमेशा हम लोगों को कुछ बफर बोथ इन टर्म्स ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज रखना चाहिए, ताकि इन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हमारा प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस तो वो अफेक्ट ना हो पाए। तो ये तो फ्रेंड्स कुछ हाई लेवल रिस्क रहे। अब फ्रेंड्स, ये हमने सारी एक फंक्शनल नॉलेज, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे हमने सारी फंक्शनल नॉलेज गैदर कर ली। फंक्शनल नॉलेज में फ्रेंड्स हमने पूरे अपने प्रोजेक्ट चार्टर को डिटेल में समझ लिया कि क्या रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल जो हमारे रिक्वायरमेंट थी या फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम टेक्निकल पार्ट पे चलेंगे। टेक्निकल पार्ट में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो भी हमने KPIs पहले डिस्कस की थी उनको उनके थ्रू हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और उस एनालिसिस के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं पाइथन। तो हम पाइथन की हेल्प से फ्रेंड्स क्या करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे ETL कर सकते हैं, कैसे हम चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से उन चार्ट्स की हेल्प से इन्फरेंसेस और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ये सब कुछ हम अब आगे देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अब तक हमने फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देखा, समझा यूजिंग प्रोजेक्ट चार्टर, हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरेबल्स, रिस्क के बारे में डिटेल में जाना। तो ये सारे फ्रेंड्स हमारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स थे। अब फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझने के बाद हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलना है, हमें कोडिंग करनी है, हमें अपनी KPIs जो है उनको एनालाइज करना है, टेक्निकल एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनानी है, ये सारा काम हमें भी करना है, और ये सारा काम करेंगे हम यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पाइथन को इंस्टॉल करना रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमें python.org इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन दैट इज 3.11.4 इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो
तो आपका इससे क्या होगा, आपको पाइथन इंटरप्रेटर इसकी हेल्प से मिल जाएगा। अब पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग नॉर्मल कोड करते हैं पाइथन में, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको मशीन रीडेबल, जो हमारी मशीन होती है, जो हमारी मशीन है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसीलिए यूज़ किया जाता है पाइथन का, ताकि जो हम कोड लिख रहे हैं पाइथन का वो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेटर। अब दोस्तों जब आप ये इंटरप्रेटर को इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कोई भी जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जुपिटर नोटबुक फ्रेंड्स मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक जुपिटर नोटबुक आपको एनाकोंडा के थ्रू मिलती है, आप विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू भी जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली फ्रेंड विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करता हूँ टू वर्क ऑन जुपिटर नोटबुक्स। उसका फ्रेंड कुछ एडवांटेज होते हैं जब हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ करते हैं। पहला तो मेरे को ये लगता है बेटर यूआई, तो मेरे को यूआई यहाँ पे बेटर लगता है। दूसरा मेरे को क्या कहूँगा, इंटेलिजेंस यहाँ पे बेटर काम करती हैं, अगर अब मैं बात करूँ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जो जुपिटर नोटबुक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे को मल्टीपल थीम्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो काफ़ी कुछ मैं कहूँ बेटर रहता है जब हम जुपिटर नोटबुक्स को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो प्रोजेक्ट होगा फ्रेंड हम विजुअल स्टूडियो कोड में ही बनाएंगे और जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन का यूज़ करके। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले code.visualstudio.com इस वेबसाइट पे जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड का जो यहाँ पे जाके आप विजुअल स्टूडियो कोड का जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेबल बिल्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर आपका मैक ओएस है तो रेस्पेक्टिव स्टेबल लिंक, इसके अलावा क्योंकि हम विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें काम करने वाले हैं, तो हम रेस्पेक्टिव टेबल बिल्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करेंगे आपका exe फाइल आ जाएगी, उस exe फाइल को रन करके आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया जिसकी हेल्प से हम पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ कर पाएंगे, और दूसरा हमने यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लिया। तो ये दो स्टेप्स आपको पहले बेसिकली अप्लाई करने, ये दो स्टेप्स आपको फुलफिल करने हैं एक्चुअल कोड लिखने से पहले। अब फ्रेंड जब आप exe फाइल जो विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड exe फाइल को रन करेंगे, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा और आपको इंस्टॉलेशन के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब अगर हमें जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना होगा। तो आप यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस वाला आइकन है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा। मैंने वो एक्सटेंशंस ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, पर आप लोगों को वो एक्सटेंशंस पहले इंस्टॉल कर लेने हैं। तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है या इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों को ये पाइथन करके यहाँ लिखेंगे, ये पहला एक्सटेंशन होगा पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल, बेसिकली एक्सटेंशन है ये। और यहाँ पे मेंशनड है ए विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन विद रिच सपोर्ट फॉर पाइथन लैंग्वेज, और इसकी हेल्प से फ्रेंड्स हम डिबगिंग, कोड नेविगेशन, कोड फॉर्मेटिंग, रिफैक्टरिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सटेंशन फर्स्ट एक्सटेंशन होता है जिसे आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकेंड एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर। तो पाइथन की जगह अब मैं यहाँ पे जुपिटर लिख दूंगा, तो ये हमारा सेकेंड एक्सटेंशन होगा। और तो हम क्लिक करेंगे, ये आ गया है, ये भी ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट से प्रेजेंटेड हमारा एक्सटेंशन है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन दैट प्रोवाइड बेसिक नोटबुक सपोर्ट फॉर लैंग्वेज कर्नल्स दैट आर सपोर्टेड इन जुपिटर नोटबुक्स, अगेन जुपिटर नोटबुक्स पर काम करने के लिए एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने पाइथन एक्सटेंशन को कर लिया, जुपिटर एक्सटेंशन को कर लिया इंस्टॉल। इसके बाद फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें रेंडरिंग करनी होती है। तो आप एक और एक्सटेंशन जो थर्ड एक्सटेंशन है, दैट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर नोटबुक रेंडरर्स, ये भी अगेन ऑफिशियल एक्सटेंशन है, इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। रेंडरर्स फॉर जुपिटर नोटबुक्स विथ प्लॉटली वेगा, जो भी हम बेसिकली आप लोगों को पता होगा हमारी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होती हैं, पर्टेनिंग टू दैट में ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जुपिटर नोटबुक रेंडर्स दिस विल बी योर थर्ड एक्सटेंशन दैट यू नीड टू इंस्टॉल।
तो आपके तीन इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हो गए हैं यहाँ पे। एक आपका एक्सटेंशन था पाइथन से रिलेटेड प्रिंट्स, तो आपको इंस्टॉल करना है। दूसरा हमारा एक्सटेंशन था रिलेटेड टू जुपिटर नोटबुक, जो हमें इंस्टॉल करना है। और तीसरा फ्रेंड्स नोटबुक से रिलेटेड, और तीसरा है रेंडरिंग से रिलेटेड, जो हमें इंस्टॉल करना है। तो ये तीन जो हमारे एक्सटेंशन होंगे, इनकी हेल्प से हम जुपिटर नोटबुक में कोड एक प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो अब फ्रेंड आगे आने वाली वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, हम ETL एक्टिविटीज़, हम पूरा अपना KPI एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। अब इस वीडियो टू में फ्रेंड हम ETL एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमारी CSV फाइल में डेटा है हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ लाइक नल वैल्यू आइडेंटिफिकेशन, डुप्लीकेट वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन, डेटा टाइप कन्वर्जन, ये सारा कुछ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम मर्जिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं, ग्रुप बाय, ये सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड को जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो दिखेगी आपको। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लोरर यहाँ पे जाना है, और जो फोल्डर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर हमारी CSV फाइल्स होंगी, एक सैम्पल नोटबुक फाइल होगी जिसके रेफरेंस लेके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट की, ये सब कुछ जो मटेरियल है उस वाले फोल्डर को आपको क्या करना है, यहाँ ओपन कर लेना है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिस PC में जाके एजुकेशन वर्क, ये मेरा अपनी जो डायरेक्टरी है जहाँ पे मैंने फोल्डर को सेव किया हुआ है, आप लोग किस जिस भी लोकेशन पे उसको सेव करेंगे रेस्पेक्टिव लोकेशन से आप उसको पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पाइथन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा फोल्डर था वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो मैंने ये फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे डेटा सेट वाला जो एक सब फोल्डर है वो आ गया है जिसके अंदर रेस्पेक्टिव CSV फाइल्स प्रेजेंट है। तो अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे न्यू फाइल का, इसको क्लिक करना है, और एक नई फाइल अगर जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मैं कुछ ऐसा नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी अपने जो भी आप नाम इसमें देना चाहते हैं वो पहले आप इस फाइल का नाम दे देंगे। इसके बाद आपको इस फाइल को IPYNB इस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, तभी आपकी जुपिटर नोटबुक फाइल जो होगी, एक एम्प्टी जुपिटर नोटबुक फाइल यहाँ पे ओपन होगी। तो मैं जैसे ही IPYNB करूँगा, क्लिक करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटबुक फाइल मेरी आ गई है। अगर मैं इसको स्मॉल करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी एक नोटबुक फाइल आ गई है, और जैसे आप एनाकोंडा के थ्रू जो जुपिटर इंस्टॉल करते हैं सेम आपको नोटबुक फाइल यहाँ पे भी मिल गई है। अब आप इसमें जो भी कोड लिखेंगे प्रोजेक्ट का वो सेम तरीके से एग्जीक्यूट होगा जैसे हम वहाँ पे करते हैं। अब फ्रेंड्स जो भी लाइब्रेरी हमें रिक्वायर होंगी एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले हमें रिक्वायर होगी पांडास। पांडास फ्रेंड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की डेटा मैनिपुलेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो पांडास के अंदर बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले सीरीज जो एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा होता है डेटा फ्रेम्स। अब ये जो डेटा फ्रेम्स होते हैं दे आर टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये 2D डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और इनका एडवांटेज फ्रेंड्स ये रहता है कि ये हमारे को रोज और कॉलम में डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इसकी हेल्प से जैसे आप लोगों को SQL में आप लोगों को पता हो एक हमारी टेबल होती है, सेम टेबल लाइक स्ट्रक्चर ये हमें प्रोवाइड करते हैं डेटा फ्रेम, और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट मैनिपुलेशन एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हम इसका एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में भी, तो इसका हम एक्सटेंसिव यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। इसके अलावा दोस्तों पांडास के अंदर हमारे को डिफरेंट मेथड मिलते हैं, जैसे रीड CSV, अगर CSV फाइल हमें रीड करनी है, रीड एक्सेल अगर एक्सेल फाइल रीड करनी है, इस तरीके से डिफरेंट हमारे को मेथड यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हमारे को कुछ मैं कहूँ क्लींजिंग, डेटा क्लींजिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो डेटा क्लींजिंग के अंदर अगर बात करूँ मैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हमें चेक करनी है या फिर हमको नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके पर्टेनिंग भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं पांडास लाइब्रेरी में। तो ये बहुत ही मैं कहूँ एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है अगर आप कुछ भी डेटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं पाइथन के अंदर। तो इस लाइब्रेरी से रिलेटेड फ्रेंड्स मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, अभी के लिए हाई लेवल
मैंने जो डिटेल्स दिए वही रिक्वायर होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में। दूसरी लाइब्रेरी जो फ्रेंड होगी जो पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है, दैट इज ओएस। तो इस लाइब्रेरी का यूज़ फ्रेंड्स हम बेसिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उससे इंटरेक्शन के लिए करते हैं। तो अगर हमारे को अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई मान लीजिए फोल्डर क्रिएट करना है, कुछ बेसिकली रीनेम करना है किसी फोल्डर का नाम, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है, हमें फाइल, हम अपने डायरेक्टरी को एक्सेस करना है बेसिकली, उसके फाइल्स को व्यू करना है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, ओएस लाइब्रेरी जिसे हम कहेंगे। तीसरे फ्रेंड जो रहेगा हमारा, हम प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस इस मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं। ये फ्रेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँ बहुत ही यूज़र फ्रेंडली मॉड्यूल है जो पार्ट होता है प्लॉटली लाइब्रेरी का। ये जो पार्ट होता है ये प्लॉटली लाइब्रेरी का ही पार्ट होता है और इसकी हेल्प से फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन ऑफ कोड, मैं आगे जब हम यूज़ करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, सिंगल लाइन ऑफ कोड से आप लोग डिफरेंट तरीके के, जैसे मैं कहूँ बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, लाइन चार्ट, इस तरीके से बना सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ कोड पे, यानी मिनिमल कोड और मैक्सिमम हम मैं कहूँगा फीचर रिच चार्ट्स। सो अगर आपको इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस मॉड्यूल बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब एक बात यहाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैट प्लॉटलेब, सीबोन जैसी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज भी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होती हैं, पर मैं यहाँ प्लॉटली एक्सप्रेस का यूज़ इसलिए करूँगा क्योंकि अगर आप मैट प्लॉटलेब को यूज़ करते हैं तो बेसिक चार्ट के तो आप इजीली बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लेबल्स इनेबल करने हैं, एक्सेस को रेफरेंस करना है, तब आपको कुछ कोड रिक्वायर होता है। तो उसी कोड को मिनिमल करने के लिए, उसकी कोड को मिनिमाइज करने के लिए, कम कोडिंग के लिए मैंने प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस को यूज़ किया है। डाउन द लाइन जब हम प्रोजेक्ट्स दूसरे बनाएंगे तो हम डिफरेंट और भी लाइब्रेरीज को देखेंगे, पर अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हम प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस को ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये तो हमारी तीन इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा लाइब्रेरीज होंगी। अब एक बार सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पांडास और प्लॉटली को इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम अपनी रेस्पेक्टिव लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम pip install इस कमांड के थ्रू पांडास को इंस्टॉल करेंगे। तो जब हम कंट्रोल एंटर करेंगे सबसे पहले कनेक्टिंग टू कर्नल और ये pip install pandas कमांड रन हो रही है। मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही पांडास को इंस्टॉल कर रखा है। आपके केस में क्योंकि आपने पांडास को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको आपको बेसिकली आपका पांडास जो लाइब्रेरी होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें प्लॉटली को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं प्लॉटली के लिए भी सेम चीज़ यूज़ करूँगा, pip install plotly। सेम मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपके केस में प्लॉटली लाइब्रेरी इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। ओएस को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इनबिल्ट होती है। तो ये तीन लाइब्रेरीज का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम इन तीनों लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे। एंड यस फ्रेंड्स अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जब भी कोड करें आप प्रॉपर कमेंटिंग दें क्योंकि कमेंटिंग से क्या होता है, आपको आप किस सेल में क्या कोड लिख रहे हैं ये आपको क्लियर रहता है। डाउन द लाइन आप इस कोड को अगर अपनी टीम में किसी के साथ शेयर करते हैं उसको भी एक ही ग्लिम्स में या एक ही ग्लांस में ये पता लग जाएगा कि भाई आपका कोड उस सेल में क्या कर रहा है। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा कमेंट्स दें जो भी कोड आप लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इम्पोर्ट करने वाले हैं नेसेसरी लाइब्रेरीज को। तो इम्पोर्टिंग द नेसेसरी लाइब्रेरीज, तो मैं क्या करूँगा इम्पोर्ट वर्ड को लिखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे पांडास को इम्पोर्ट कर लूंगा। तो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, देन इम्पोर्ट ओ एस एंड फाइनली इम्पोर्ट एंड फाइनली इम्पोर्ट प्लॉटली। और इसका हम क्या करने वाले, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो इम्पोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पी एस, ये हो जाएगा, इसको हम कंट्रोल एंटर कर देंगे। अब फ्रेंड्स मेरे केस में ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अगर आपके केस में कुछ इशू आता है तो आपको जो ये लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं इनको आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब सक्सेसफुल इंपोर्ट करने के बाद
हम क्या करेंगे, हम इन लाइब्रेरीज के रेस्पेक्टिव मेथड्स को यूज़ करेंगे, विदाउट विच अगर हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो ये हम इन लाइब्रेरीज के मेथड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं OS जो मेरी लाइब्रेरी है इसके थ्रू देखूंगा कि हमारी जो फोल्डर है उसके अंदर क्या क्या फाइल्स रखी हैं, इसको बेसिकली इसकी हेल्प से हम एक्सेस कर पाएंगे अपनी डायरेक्टरी को और देख पाएंगे क्या क्या कंटेंट है उसके अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वो रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ OS का डॉट लिस्ट dir, क्योंकि हमें लिस्ट करना है डायरेक्टरी का कंटेंट, लिस्ट dir इसको यूज़ कर लूँगा। सिंगल कोट्स में हम क्या करेंगे, पाथ को पास कर देंगे जिसका कंटेंट देखना है हमें। तो लेट सपोज अगर मैंने जहाँ पे फाइल्स रखी हैं उसके उस फोल्डर के कंटेंट को हमें देखना है और इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मेरा पाथ था बेसिकली, ये डेटा सेट फोल्डर के अंदर मेरी फाइल्स पड़ी थी। तो जैसे मैंने लिस्ट dir किया तो रेस्पेक्टिव फाइल्स सोर्स ट्रीटमेंट प्लांट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैक्ट, ये तीन फाइल्स जिसका हम जिन फाइल्स का हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में, वो तीनों फाइल्स यहाँ लिस्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो एक बार अगर हम यहाँ पे कमेंट दे दें लिस्टिंग द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फाइल फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इन फाइल्स को रीड करना है। तो रीड करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, रीड csv मेथड का यूज़ करेंगे। तो pd डॉट रीड csv इस मेथड का यूज़ करेंगे और हम रेस्पेक्टिव जो भी फाइल्स होंगी उनको रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी फर्स्ट फाइल जो है उसको यहाँ पे पास करूँगा। तो क्योंकि हमारे इसी पाथ पे हैं ये फाइल्स, तो सबसे पहले मैं ये पाथ दे दूँगा और उसके बाद रेस्पेक्टिव फाइल का नाम। तो मेरी सोर्स csv फाइल है तो कॉपी कर लेंगे हम यहीं से और इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके इसको हम हटा देंगे। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरी रेस्पेक्टिव फाइल का डेटा यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली एक ये डेटा फ्रेम है, तो अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊँ, दिस इज़ आवर डेटा फ्रेम, ये हमारा डेटा फ्रेम है यहाँ पे, और इस डेटा फ्रेम के अंदर ये हमारी सारी रोज हैं, ये हमारी रोज, दीज आर आवर, ये जो हैं दीज आर आवर कॉलम्स, ये जो होंगे ये हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमने क्या किया है यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम के अंदर अपने csv फाइल को रीड करके डाल दिया है और एक टेबुलर स्ट्रक्चर बेसिकली बना दिया है जिससे आगे आने वाले जो भी हमें मैनिपुलेशन करनी है, डेटा की चार्टिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास डेटा रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस डेटा फ्रेम को हम नाम दे देंगे sources underscore df, सिमिलरली हम दूसरी फाइल्स को भी रीड कर लेंगे और उसके लिए मैं यहाँ पे कर दूँगा sources की जगह नेक्स्ट फाइल है ट्रीटमेंट प्लान, तो इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे, पेस्ट कर दिया है मैंने, कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हैं सारा डेटा आ गया है। और इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको असाइन कर दूँगा drt प्लांट अंडरस्कोर df, इसको कंट्रोल एंटर और इसको भी कंट्रोल एंटर। अब तीसरे सेल में मैं अपने तीसरे फाइल्स को रीड कर लूँगा और इसके लिए इसको एक बार मैं इसको फिर से कॉपी, तो फिर से हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, परफेक्ट। एंड यहाँ पे जो मेरा ये फाइल है इसका नाम हम इसमें पास करेंगे, तो इस फाइल को हटा के हम इस फाइल का नाम दे देंगे और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अंडरस्कोर df इसका डेटा फ्रेम का नाम, कंट्रोल एंटर, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर डेटा आया है या नहीं। तो एक और सेल इसके लिए, परफेक्ट, तो इसका डेटा भी, इस फाइल का डेटा भी रेस्पेक्टिव डेटा फ्रेम में आ गया है। इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंटिंग कर दूँगा, रीडिंग द
सोर्स डेटा फाइल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली रीडिंग दी ट्रीटमेंट प्लांट डेटा फाइल, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैक्ट फाइल। तो ये तीन जो हमारे सेल थे इनमें करस्पॉन्डिंगली हमने फाइल्स को रीड कर लिया। अब फाइनली फ्रेंड्स जब हम रीड कर लेंगे, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम एक बार डॉट इन्फो मेथड को यूज़ करेंगे। अब इन्फो मेथड से हमारे को पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी हमारे डेटा फ्रेम की होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ डॉट इन्फो, डॉट इन्फो यस एंड कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है मेरा सोर्स TF दैट इज डेटा फ्रेम। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे कॉलम्स हैं उनके नाम हैं, जैसे सोर्स ID, सोर्स नेम, इंडस्ट्री सेक्टर, ये तीन कॉलम्स हैं इस डेटा फ्रेम में, और चार रोज हैं, डेटा टाइप है int64, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। सिमिलरली अगर मैं अपने दूसरे डेटा फ्रेम्स की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो डॉट इन्फो यहाँ पे हम दे देंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 10 रोज़ हैं, डिफरेंट कॉलम्स के नाम आ गए हैं, डेटा टाइप्स आ रहे हैं। तो बेसिकली अभी मैं आप आगे जाके जब हम डेटा टाइप कन्वर्जन करेंगे तब आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मेथड है उसकी हेल्प रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इनिशियल क्या डेटा टाइप था कॉलम का और आप किस डेटा टाइप में आप चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस वाले डेटा फ्रेम को भी सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे डॉट इन्फो इसको कर देता हूँ, परफेक्ट, यहाँ पे हमारी 1050 जो रोज़ हैं वो हैं, और डेटा टाइप के रेस्पेक्टिव जो भी कॉलम्स हैं उनके रेस्पेक्टिव डेटा टाइप्स भी दिख रहे हैं हमें। तो इस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने डेटा फ्रेम से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स हम आगे क्या करेंगे, हम नल वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ इनको चेक करेंगे, और डेटा टाइप कन्वर्जन जो भी हमें रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो डेटा टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, डेटा क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मेंशन करता हूँ डेटा क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। तो अब हम ये एक्टिविटीज़ को शुरू करेंगे, परफेक्ट, एंड इसके बाद हमें क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज़। तो डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज़ में फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, चेकिंग नल एंड डुप्लीकेट, ये दो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे, चेकिंग नल वैल्यूज एंड डुप्लीकेट रोज, परफेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, हम अपने डेटा फ्रेम के ऊपर चलेंगे, तो हमारा सब फर्स्ट डेटा फ्रेम है सोर्सेज अंडरस्कोर DF, दिस इज आवर फर्स्ट डेटा फ्रेम, कंट्रोल एंटर यस। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इज नल डाल देंगे, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं कोई भी मेरी नल वैल्यू नहीं है, तो ये सारी वैल्यूज फॉल्स आ गई हैं। पर फ्रेंड्स जनरली क्या होता है कि हमारे डेटा फ्रेम्स काफ़ी लार्ज होते हैं, बहुत सारा ह्यूज डेटा होता है उनके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम डॉट सम फंक्शन भी यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि किसी भी कॉलम में कोई नल वैल्यूज़ हैं या नहीं। तो हम देख सकते हैं हमारे सारे कॉलम सोर्स ID, सोर्स नेम, इंडस्ट्री सेक्टर, सभी के अंदर हमारे किसी के भी अंदर बेसिकली कोई नल वैल्यू नहीं है। सिमिलरली हम अदर डेटा फ्रेम्स के लिए भी ये चेक कर लेंगे। तो हम अगले डेटा फ्रेम की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट अंडरस्कोर DF, इसके अंदर भी हम इज नल डॉट सम कर देंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं जैसे प्लांट ID, नेम, लोकेशन, कैपेसिटी, किसी के अंदर भी हमारी नल वैल्यूज नहीं है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा,
अपने तीसरे डेटा पे जो मेरा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अंडरस्कोर डीएफ, इसके अंदर भी मैं इस नल को चेक कर लूँगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस नल और सम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास किसी भी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है। तो बेसिकली हमने अपने तीन जो इम्पोर्टेंट डेटा फ्रेम्स थे उनको चेक कर लिया, उनमें ये देख लिया कि नल वैल्यूज हैं या नहीं। तो हमारी नल बेसिकली चेकिंग नल वैल्यूज की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गई है और हमने ये देखा है कि कोई भी नल वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अब एक बार डुप्लीकेट रोज के लिए भी चेक कर लेते हैं हम। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं अपने डेटा फ्रेम को यहाँ उठाता हूँ, परफेक्ट। एंड उसके लिए हमारे पास होता है डुप्लीकेटेड, तो हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे। तो आप चेक भी कर सकते हैं इसकी स्टेटमेंट से, रिटर्न बूलियन सीरीज डिनोटिंग डुप्लीकेट रोज, अगर कोई डुप्लीकेट रोज होगी तो उसको ट्रू कर देगा ये। तो अगर मैं इसी को ही कंट्रोल एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी कोई भी रो यहाँ पे डुप्लीकेटेड नहीं है सोर्स डी एफ में। और अगर इसका मैं सम भी कर देता हूँ तो जैसे आप यहाँ देखेंगे कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेट रो नहीं है, अगर कोई होती तो यहाँ पे वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन जीरो होती। अब मैं क्या करूँगा, बाकी जो मेरे डेटा फ्रेम्स हैं उनके लिए भी डुप्लीकेट रोज़ को चेक कर लूँगा मैं, कहीं उनमें तो कोई डुप्लीकेट रोज़ नहीं है। क्योंकि फ्रेंड अगर डुप्लीकेट रोज़ अगर हमारी आती हैं तो हमारे को कोई ना कोई प्रोसीजर देखना होता है कि किस तरीके से हम उन डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो प्राइमरीली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डेटा क्लिनजिंग का, नल वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करना, डुप्लीकेट रोज़ आइडेंटिफाई करना, यही है कि हमारा डेटा फ्रेम क्लीन हो सके। जब भी हम उस पर एनालिसिस करें वो क्लीन डेटा फ्रेम हो, एनालिसिस हमारी करेक्ट फॉर्म में तभी होगी जब हमारे पास एक क्लीन डेटा फ्रेम आएगा। तो अगेन यहाँ पे मैं डुप्लीकेट इसको लिख दूंगा डुप्लीकेटेड, एंड इसको सम हम कर देंगे कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी मेरी कोई डुप्लीकेटेड रो नहीं है। सिमिलरली हमारे लास्ट जो मेरा डेटा फ्रेम है इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, आई मीन टू से डुप्लीकेट रो है या नहीं। तो यहाँ पे सम अगेन परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम में ना तो मेरे पास डुप्लीकेटेड रो है ना ही मेरे पास नल वैल्यू है। अगर फ्रेंड्स हमारे पास नल वैल्यू या डुप्लीकेट रोज आती हैं, अगेन जैसे मैंने बताया, तो उनको हमको उन डुप्लीकेट रोज या फिर नल वैल्यूज को हमें ट्रीट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तभी हम जाके उन डेटा फ्रेम्स पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हुआ प्राइमरीली हमारा डेटा क्लिनजिंग एक्टिविटीज। अब हम फ्रेंड्स कुछ डिराइव्ड कॉलम, यानी हमारे को कोई नई कॉलम बनाने हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन करना है, उन एक्टिविटीज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम डेटा क्लिनजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने नल वैल्यूज एंड डुप्लीकेट रोज को चेक किया, तो ये अभी आपने देखा। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम डेटा टाइप कन्वर्जन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊं, तो हमारे KPIs के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट KPIs मेंशन है, जैसे हाईली यूटिलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें हाईली यूटिलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट निकालना है, डे वाइज एक्टिविटी निकालनी है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हमारे KPIs हैं। अगर हम इनके पर्टेनिंग अपने डेटा फ्रेम्स को देखते हैं, तो जैसे मेरा ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डेटा फ्रेम है यहाँ पे, तो इस डेटा फ्रेम में कहीं भी डे वाइज एक्टिविटी है ही नहीं, और जो एक सिंगल कॉलम डे से रिलेटेड हो भी सकता है वो है डेट, और वो भी ऑब्जेक्ट टाइप का है, बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का है हमारा डेट जो कॉलम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें डे वाइज एक्टिविटी निकालने के लिए डेट टाइप के कॉलम को ऑब्जेक्ट से डेट टाइम टाइप का बनाना होगा और वहां से हमें डे को निकालना होगा ताकि हम डे वाइज एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो एक तो हमारा स्टेप ये रहेगा, दैट इज स्टेप वन। एंड स्टेप टू में फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, जो दूसरा हमें डेटा टाइप कन्वर्जन करना है, जिसमें हमें यूटिलाइजेशन, जैसे मैं दोबारा से यहाँ दिखाऊं, हाईली यूटिलाइज ट्रीटमेंट प्लांट देखना है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट डेटा फ्रेम, यहाँ पे मेरी कैपेसिटी गिवन है, तो इसी कैपेसिटी कॉलम का हम यूज करने वाले हैं यूटिलाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे अभी आप देखें तो ये कैपेसिटी कॉलम ऑब्जेक्ट एक तरीके का स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, तो हमें इसको भी चेंज करना होगा और इसे इंटीजर टाइप का बनाना होगा। तो ये अभी हमें डेटा टाइप रेस्पेक्टिव कन्वर्जन्स करने हैं, तो अब हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया सेल ऐड कर लूंगा, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप
कन्वर्जन कर रहे हैं। तो डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए सबसे पहले मैं अपने डेटा फ्रेम है उसी को एंटर कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो मेरा डेट टाइप, जो डेट कॉलम है, ये अभी ऑब्जेक्ट टाइप का था। अभी आपने ऊपर देखा था जब हम इंफॉर्मेशन देख रहे थे, तो ये जो डेट कॉलम था ये ऑब्जेक्ट टाइप का था। तो सबसे पहले इसे मेरे को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, पीडी इसको एक बार रैप कर लेते हैं, टू डेट टाइम, ये वाला मैं मेथड को यूज़ करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा, पीडी डॉट टू डेट टाइम। इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट से डेट टाइम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पे मैं रेस्पेक्टिव जो मेरा कॉलम है डेट, इसको ले लूँगा और इसे अगर कंट्रोल एंटर करें तो अब आप देख सकते हैं डी टाइप जो डेटा टाइप है डेट टाइम 64 आ गया है। इससे पहले फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मैं दोबारा से दिखाऊं इस कॉलम का डेटा टाइप, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का था। अब ऑब्जेक्ट से ये बेसिकली हमारा डेट टाइम 64 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो हमारा डेटा टाइप था यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप था उससे हमने डेट टाइम में यहाँ पे चेंज कर दिया, ताकि हम रेस्पेक्टिव डेट रिलेटेड ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सके। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था और अब जो है वो डेट टाइम 64 है। तो ये एक बेसिकली डेटा टाइप कन्वर्जन हमने इजीली परफॉर्म कर लिया। अब बेसिकली यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, एक नए कॉलम को डिराइव करना है, जो एक वीक डे करके एक नया कॉलम है उससे उसे ड्राइव करना है यूजिंग दिस डेट कॉलम। तो अब हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैं कोड में लिखता हूँ, तो हम वी आर डिराइविंग न्यू कॉलम वीक डे, परफेक्ट। एंड इसके लिए सबसे पहले मेरे को ये जो चेंजेस हैं इनको सेव करना होगा। तो मैंने अभी जस्ट डिस्प्ले के लिए किया था यहाँ पे, इसको एक बार हम सेव कर देंगे, कंट्रोल एंटर, यस। एंड इसके डेट कॉलम को ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे को क्या करना है, बेसिकली वीक डे निकालना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें एक्सेसर यूज करना पड़ेगा। जब भी फ्रेंड्स हम कोई सीरीज यानी डेटा फ्रेम कॉलम पे काम कर रहे हैं और उस पर डेट टाइम टाइप का कोई हमारे को मेथड अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्टली डॉट लगा के वो मेथड यूज नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे एक्सेसर यूज करना होता है। तो डेट टाइम के जब मेरे को रेस्पेक्टिव मेथड्स जो डेट टाइम से रिलेटेड है उनको यूज करना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे डी टी यूज करना होगा। तो डी टी डॉट बेसिकली डे नेम, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक बार इसको हमें मेथड लेना है। तो आप देख सकते हैं ये मंडे संडे इस तरीके से वीक डे के नाम मेरे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली ये जो था दिस इज माय एक्सेसर, ये मेरा एक एक्सेसर था जो हमें यूज करना होता है। फ्रेंड्स एक्सेसर जो होता है वो हमें यूज करना होता है जब भी हम सीरीज या फिर मैं कहूँ डेटा फ्रेम के किसी कॉलम पे डायरेक्टली काम करना चाहते हैं। डेटा फ्रेम के कॉलम पे अगर आपको डायरेक्टली काम करना है तो आपको एक्सेसर्स का यूज होता है। इस एक्सेसर की हेल्प से क्या हुआ, डी टी एक्सेसर की हेल्प से हम डेट टाइम टाइप के मेथड्स को ये यूज कर पाए, दैट इज डे अंडरस्कोर नेम। तो अब एक बार बेसिकली ये हमने कर दिया है, अब इस ये जो वैल्यूज आई हैं इसको हम रेस्पेक्टिव कॉलम यानी जो न्यू कॉलम होगा उसमें असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा पेस्ट, एंड इस कॉलम का नाम हम वीक डे दे देंगे, कंट्रोल एंटर। और एक बार अगर हम अपने डेटा जो डेटा फ्रेम है उसको दोबारा इन्फो इस पर मेथड लगाते हैं और देखते हैं अब क्या इंफॉर्मेशन आई है इसमें, तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं कहूँ तो उसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो डेट, ये जो मेरा डेट टाइप का था जो डेट कॉलम था वो ऑब्जेक्ट से डेट टाइम 64 में चेंज हो गया है, दैट इज फर्स्ट चेंज जो हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन था। और फिर हमने क्या किया, एक डिराइव कर लिया नया कॉलम वीक डे फ्रॉम दिस डेट कॉलम,
जो बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो ये बेसिकली दो एक्टिविटी हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरा हमें चेंज करना है दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट डेटा फ्रेम है, उसको परफॉर्म करते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ TR ट्रीटमेंट प्लांट डेटा फ्रेम है, इसको कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो कैपेसिटी कॉलम है इसके अंदर अभी मिलियन गैलेंस पर डे इस तरीके से स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, पर यूटिलाइजेशन निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें बस ये 100 ये 50 इस तरीके की ही वैल्यूज चाहिए हमारे को। ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आ रही हैं इनको नहीं चाहिए, ये बेसिकली मिलियन गैलेंस पर डे इस चीज़ को हटाना है हमें, हमें केवल ये इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे चाहिए अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो हमें अपना क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए। तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, अब हम स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे, जो एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड होता है। स्प्लिट मेथड होता है ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का मेथड होता है। अब फ्रेंड्स अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी सीरीज के ऊपर स्प्लिट मेथड यूज करें, पर उसके लिए हमारे को अगेन जैसे हमने पहले मैंने एक्सेसर की बात की थी तो मैंने डेट टाइम का एक्सेसर लगाया था, ऐसे स्ट्रिंग एक्सेसर को हमें यूज करना पड़ेगा, उसी की हेल्प से हम ये स्प्लिट मेथड अपने सीरीज या फिर डेटा फ्रेम के कॉलम पे लगा सकते हैं। तो मैं वही एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, मैं क्या करूंगा अपने डेटा फ्रेम कॉलम जो मेरा एक कैपेसिटी कॉलम है इसके ऊपर यूजिंग स्ट्रिंग यानी str एक्सेसर उसका हेल्प से स्प्लिट मेथड को अप्लाई करूंगा और स्प्लिट कर दूंगा कैपेसिटी कॉलम को डिफरेंट, बेसिकली स्प्लिट कर दूंगा अपने कैपेसिटी कॉलम को। अब देखते हैं वो प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ हम डेटा टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं परफेक्ट फॉर कैपेसिटी कॉलम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट प्लांट DF के कैपेसिटी कॉलम को ले लेंगे। अब फ्रेंड्स अगर मैं सोचूं कि मैं स्प्लिट इसके बाद डायरेक्टली यूज़ कर लूँ, कुछ ऐसे करके मैं यूज़ कर लूँ, तो आप देखेंगे एरर आ गया है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, एक्सेसर यूज़ करना होगा और मैं यहाँ क्या करूँगा str एक्सेसर को यूज़ करूँगा। तो जैसे यूज़ करूँगा अब आप देख सकते हैं मेरी जो पूरी ये स्ट्रिंग थी ये स्प्लिट हो गई है, पर अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, कोई भी स्पेस नहीं दिया था, तो उसकी वजह से एक एक कैरेक्टर स्प्लिट हो गया। तो मुझे एक एक कैरेक्टर को स्प्लिट नहीं करना, मुझे बेसिकली क्या करना है, दोबारा से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसको, हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दोबारा से मैं दिखाता हूँ हमें क्या करना है। हमें बेसिकली ये 100 और मिलियन के बीच में इस स्पेस के थ्रू, ये वाला जो स्पेस है बेसिकली इसके थ्रू हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्पेस दे दूंगा और अब अगर कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देख लीजिए मेरी स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई है कॉमा सेपरेटेड। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, जो ये मेरा 100, 50, 25 है इसको पिक कर लेना है। अगेन फ्रेंड अगर मेरे को ये 100, 50, 25 इसमें से पिक करना है तो मुझे स्ट्रिंग एक्सेसर यूज़ करना होगा, क्योंकि अगला मेथड जो यूज़ होने वाला गेट वो भी स्ट्रिंग मेथड है, तो उसके लिए अगेन मेरे को स्ट्रिंग एक्सेसर को यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा फिर से स्ट्रिंग एक्सेसर को यूज़ करूँगा और गेट कर लूँगा। और गेट फ्रेंड जैसे आप लोगों को पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है पिक करना में जैसे 100, 50 उसके लिए मुझे यहाँ पे 0 देना होगा वैल्यू, कंट्रोल एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई है। पर अभी भी फ्रेंड्स आप देखते हैं इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी मुझे इंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा एज टाइप मेथड को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इंट में इसको चेंज कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं जो वैल्यूज है मेरी इंट 32 में आ गई हैं। और अब मैं चाहूँ तो इसी के अंदर भी चेंजेस कर सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा एक न्यू कॉलम ही बना लूँगा कैपेसिटी अंडरस्कोर न्यू, ऐसे करके मैं अभी कॉलम का नाम दे दूंगा यहाँ पे और इसको कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो अब अगर मैं दोबारा से इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार और यहाँ पे हम
इन्फो मेथड को अप्लाई करते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान डेटा फ्रेम पे। तो यहाँ इन्फो में मैं जाऊँ, कंट्रोल एंटर करूँ, तो देख सकते हैं मेरा एक नया कॉलम जो था कैपेसिटी न्यू int32 टाइप का आ गया है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज है। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर हम अपनी एक्टिविटीज जो हमने क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उनको समराइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया था कि कोई नल वैल्यूज तो नहीं है हमारे डेटा फ्रेम में, ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म की। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डुप्लीकेट रोज, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से और यहाँ तक हमने डुप्लीकेट रोज, जो भी हमारे डुप्लीकेट रोज तो नहीं है हमारे डेटा फ्रेम में, उसको आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे हमने। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया यहाँ पे, इसके बाद इस स्टेप में फ्रेंड्स, इस स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने डेटा टाइप कन्वर्जन किया था। यहाँ पे मैं डेटा टाइप कन्वर्जन यहाँ लिख देता हूँ। इस स्टेप में फ्रेंड हमने क्या किया था, न्यू कॉलम को ड्राइव किया था। परफेक्ट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेल में, हमने यहाँ किया था स्प्लिट एंड देन डेटा टाइप कन्वर्जन, बोथ हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। एंड फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, जब हम मल्टीपल मेथड्स को जैसे यहाँ पे और ये चीज़ कर रहे हैं परफॉर्म, इस चीज़ को हम बोलेंगे मेथड चेनिंग। यहाँ पे हमने मेथड्स की चेनिंग कर दी है, यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स को हमने यूज़ किया है, सो दिस इज़ कॉल्ड मेथड चेनिंग। तो ये मेथड चेनिंग की एक्टिविटी होती है। आप अगर चाहते तो हम इसी स्टेप को इस पर्टिकुलर जो हमने सिंगल स्टेप में कर दिया, इन एक्टिविटीज़ को मल्टीपल स्टेप में भी परफॉर्म कर सकते थे, पर यहाँ पे हमने क्या किया है, सारी एक्टिविटीज़ को सिंगल स्टेप में परफॉर्म कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेथड चेनिंग का, जो आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने स्प्लिट किया, डेटा टाइप का कन्वर्जन किया और फाइनली न्यू कॉलम को डिराइव कर लिया। तो अब तक हमने ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। तो फ्रेंड्स, जब भी हम डेटा की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स शुरू होता है डेटा मॉडलिंग, जिसके अंदर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम अपनी टेबल्स के बीच में, लेट सपोज हमारे पास ये टेबल है या एक ये टेबल है, और पाइथन के वर्ड्स में अगर हमारे पास ये डेटा फ्रेम है और एक ये डेटा फ्रेम है df1 एंड df2, तो इनके बीच में हम रिलेशनशिप को इस्टाब्लिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम की कॉलम, यानी जो कॉलम दोनों में प्रेजेंट है उस कॉलम के बेसिस पे हम इस डेटा फ्रेम और ये जो डेटा फ्रेम्स है इनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टाब्लिश करते हैं हम यहाँ पे। तो अब हम यही करने वाले हैं, हम रिलेशनशिप को इस्टाब्लिश करेंगे अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम्स के अंदर और एक न्यू डेटा फ्रेम बनाएंगे फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर दूंगा एंड दिस इज डेटा मॉडलिंग स्टेप। ओके, तो अब हम कोड लिखते हैं इसके सेल में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस्टैब्लिशिंग न्यू रिलेशनशिप बिटवीन सोर्सेस एंड अपना एक बार डेटा फ्रेम का नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट df एंड दैट इज अवर सोर्सेस df। ओके, एग्जैक्टली नाम ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे एंड ये होगा हमारा सोर्सेस df। परफेक्ट। अब एक बार हम फ्रेंड्स सोर्सेज df के डेटा को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स आईडी, सोर्स नेम, इंडस्ट्री सेक्टर है, और एक बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डेटा फ्रेम को भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास सोर्स आईडी थी। एक बार मैं दोनों को अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, तो
उसमें एंड यस इस इधर मैं सोर्सेज डीएफ को भी लिख देता हूँ। ओके तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स आईडी ये वाला कॉलम है हमारे सोर्सेज डेटा फ्रेम में, और सिमिलरली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर भी हमारा सोर्सेस सोर्स आईडी ये की कॉलम प्रेजेंट है। तो मेरे पास सोर्स आईडी करके मेरे पास की कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस की कॉलम की फ्रेंड्स हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने सोर्सेज डेटा फ्रेम और अपने वेस्ट वाटर डेटा फ्रेम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डेटा फ्रेम टू बी प्रिसाइज, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो इन डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करके हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक हमारा ये डेटा फ्रेम मान लीजिए हमारा सोर्सेस है, ये वाला डेटा फ्रेम हमारा क्या है वेस्ट वाटर है, तो इनके बीच में हम ज्वाइन करेंगे और इसकी हेल्प से एक नया डेटा फ्रेम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी रहने वाली है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या करूँगा, मर्ज मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। तो हम एक बार इस यहीं पे ही मर्ज मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले pd डॉट मर्ज ये जो मेथड है यस इसको एक बार हम डिलीट कर देते हैं। ओके pd डॉट मर्ज इस मेथड को हम यूज करेंगे। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे डेटा फ्रेम जिनके बीच में मर्जिंग परफॉर्म करनी है वो लेने होंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दोबारा से याद दिलाऊं तो ये जो मेरा डेटा फ्रेम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दिस इज आवर फैक्टेबल, तो इसके अंदर मेजोरिटी रोज हैं। ये जो सोर्स डेटा फ्रेम है ये हमारा एक तरीके से डायमेंशन है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम फैक्टेबल जो थी मेरे को लेफ्ट साइड पे रखूंगा और जो डायमेंशन थी उसको राइट साइड पे रखूंगा और लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करूंगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डीएफ हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया और मेरा जो सोर्सेस था डीएफ वो राइट साइड पे आ गया। ऑन जो हमारा कॉलम है उसका नाम यहाँ दे देंगे हम, एंड हाउ, हाउ का मतलब जो भी टाइप का आपको ज्वाइन लगाना है तो वो लेफ्ट है, कंट्रोल एंटर। तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए मैंने ये ज्वाइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की, जो मेरा ये था यहाँ सोर्स नेम था बेसिकली और इंडस्ट्री सेक्टर, ये मेरा इस वाले डेटा फ्रेम से यहाँ पे आ गई है। ये दोनों जो कॉलम है अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, ये दोनों कॉलम मेरे इस वाले डेटा फ्रेम से आ गए हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द ज्वाइन ऑपरेशन। और ज्वाइन हमने लेफ्ट क्यों किया था परफॉर्म फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो फैक्ट टेबल थी उसके अंदर हमारा कंप्लीट डेटा होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन से एडवांटेज ये होगा कि जो मेरा रेस्पेक्टिव वैल्यू जो मेरे को चाहिए अपनी डायमेंशन से वो करस्पॉन्डिंग रोज के आगे बेसिकली डिस्प्ले हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगी। तो जो सोर्स आईडी था वो मेरा एक कॉलम था जो कॉमन था जिसके बेसिस पे मैंने की कॉलम में कहूंगा जिसके बेसिस पे ज्वाइन लगाया, और ये दोनों कॉलम सोर्स नेम और इंडस्ट्री सेक्टर हमारा आ गया। अब फ्रेंड्स इस ज्वाइन करने का रीजन ये था, ये ज्वाइन जो परफॉर्म किया हमने इसका रीजन ये था। तो अगर मैं आपको अपने प्रोजेक्ट चार्टर पे दोबारा लेके जाऊं तो हमें क्या करना है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो ये वाली एक्टिविटी या इस केपीआई के करस्पॉन्डिंग एनालिसिस तभी परफॉर्म हो सकता है फ्रेंड जब हम इस तरीके का कुछ मर्ज डेटा सेट को लेके आ जाएं। तो जो हमने यहाँ पे मर्जिंग या फिर मैं कहूँ ज्वाइन लगाया है दो डेटा फ्रेम्स में, उसका रीजन यही था कि उस केपीआई के करस्पॉन्डिंग हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो इस मर्ज डेटा सेट को हम असाइन कर देंगे, तो इसका कुछ मीनिंगफुल नाम दे देते हैं हम, तो क्योंकि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डीएफ एंड यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ओके, क्योंकि ये इनके बीच में हमने ज्वाइन लगाया है सोर्सेस एंड इसको हम अंडरस्कोर डीएफ इस तरीके से रख देते हैं। ये हो गया है एंड अब हम इसको क्या करते हैं कंट्रोल एंटर, परफेक्ट। अब फ्रेंड्स हम एक और अपना बेसिकली ज्वाइन करेंगे बिटवीन आवर फैक्ट टेबल एंड अदर डायमेंशन टेबल दैट इज ट्रीटमेंट डीएफ। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं ये जो मेरी ट्रीटमेंट डीएफ थी
इसके करस्पॉन्डिंग में हमें ज्वाइन करना है विद आवर फैक्ट टेबल, क्योंकि हमें कुछ केपीआई, जैसे अगर मैं केपीआई यहाँ आप लोगों को दिखाऊं तो मुझे कुछ केपीआई जैसे यूटिलाइज ट्रीटमेंट, और मैं कहूँगा यस यूटिलाइज जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे क्योंकि परफॉर्म करना है। सिमिलरली हाईली एफिशिएंट, यस हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भी हमें नेम्स चाहिए होंगे ट्रीटमेंट प्लांट के अपने डायमेंशन से। तो ये सारी एक्टिविटी, डे वाइज एक्टिविटी, ये सारी जो हमारी चीज है प्लांट दैट इज ट्रीटिंग मैक्सिमम, इन सभी के लिए मेरे को क्या करना है ट्रीटमेंट प्लांट जो डेटा फ्रेम है उसे ज्वाइन करना होगा, तभी हमारे करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट प्लांट के नेम्स फैच हो सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से यहाँ दिखाऊं, अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास प्लांट आईडी तो है पर यहाँ पे मेरे पास प्लांट नेम नहीं है। तो हमारे को अपनी जो विजुअलाइजेशन करनी है उसके अंदर प्लांट नेम्स को भी दिखाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन लगाएंगे। अब एक बार मैं ट्रीटमेंट प्लांट वाले डेटा फ्रेम को भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे पास प्लांट आईडी, यहाँ पे भी प्लांट आईडी है और यहाँ पे भी मेरे पास प्लांट आईडी प्रेजेंट है, मेरे पास दोनों जगह प्लांट आईडी है। तो ये क्या होगा, प्लांट आईडी मेरा की कॉलम की तरह काम करने वाला है, और इस की कॉलम की हेल्प से हम ये जो दोनों हमारे डेटा फ्रेम हैं इनके बीच में जॉइन लगा देंगे। तो दोबारा से वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और मैं दोबारा बता देता हूँ उसका रीज़न ज्वाइन का क्या है, क्योंकि हमें केपीए के करस्पॉन्डिंग एनालिसिस करनी है और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के नेम हैं या फिर मैं कहूँ जो ये कैपेसिटी न्यू हमने कॉलम बनाए थे, ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब हमारे बीच, हमारे इन दोनों डेटा फ्रेम्स के बीच में ज्वाइन हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, पीडी डॉट मर्ज दोबारा से मैं यहाँ कर लूँगा। अगेन लेफ्ट साइड पे मेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डीएफ, राइट साइड पे मेरा ट्रीटमेंट जो प्लांट डीएफ है वो होगा, ऑन जो की कॉलम होगा उसका नाम दे देंगे दैट इज प्लांट आईडी, एंड हाउ में किस टाइप का ज्वाइन लगाना है दैट इज लेफ्ट। तो फ्रेंड्स लेफ्ट की जगह आप यहाँ पे अदर टाइप के ज्वाइंस लाइक इनर आउटर वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी के केस में क्योंकि मुझे इनर लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करना है तो मैं लेफ्ट लिख दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ से लेकर ये जो सारे मेरे कॉलम्स थे, ये हमारे ज्वाइन के बाद जो हमारे ट्रीटमेंट डीएफ के कॉलम्स थे वो यहाँ पॉपुलेट हो गए हैं, और प्लांट आईडी के बेसिस पे हमने ज्वाइन लगाया था दैट वॉज आवर की कॉलम। तो ये हमारी जो ज्वाइनिंग एक्टिविटी थी एमर्जिंग जो हमने की दोनों डेटा फ्रेम्स के बीच में वो परफॉर्म हो गई है, एंड अब इसको भी कुछ मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करके यहाँ सोर्सेज की जगह ट्रीटमेंट प्लांट लिख दूंगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जो होगा इसको मैं चेंज कर, ओके, एंड इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार अब इन सबको अनवांटेड जितने भी सेल्स थे उनको हटा देते हैं, वो हमने केवल डेटा व्यू करने के लिए बनाए थे, एंड प्रॉपर कमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं हम अपने। फ्रेंड्स कमेंट्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रीडेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ती है, साथ ही साथ आपको जब कोड शेयर करते हैं तो जो कोई अगर दूसरा हमारा कुलीग अगर उस कोड को यूज़ कर रहा है उसको भी ईजी रहता है आइडेंटिफाई करना कि क्या हो रहा है हमारे कोड के अंदर। रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर कमेंट्स यहाँ पे दे दिए। तो ये फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये भी एक अनवांटेड एक्टिविटी थी। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, डेटा मॉडलिंग कर दी, बेसिकली रिलेशनशिप इस्टैब्लिश कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेटा की विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे और एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दोज विजुअल्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं जो भी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं उनको समराइज करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम आवर सीएसवी फाइल्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, डेटा की प्रिपरेशन की, डेटा की प्रिपरेशन की, बेसिकली जो भी हमारी क्लींजिंग एक्टिविटीज़ थी
वो हमने परफॉर्म की, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा टाइप कन्वर्जन, न्यू कॉलम डिराइव करना, ये सारी एक्टिविटीज हमने यहाँ पे परफॉर्म की थी बेसिकली डेटा प्रिपरेशन वाले स्टेप में। फिर फ्रेंड हमने थर्ड स्टेप क्या किया था, हमने किया डेटा मॉडलिंग। इस स्टेप में फ्रेंड्स हमने क्या किया था, हमने रिलेशनशिप को स्टाब्लिश किया था। रिलेशनशिप को हमने यहाँ पे स्टाब्लिश किया बिटवीन टू डेटा फ्रेम्स, तो ये हमने एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म की। तो अब जो नेक्स्ट है फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब इस एक्टिविटी में फ्रेंड हम क्या करने वाले हैं, हम अपने चार्ट्स, जैसे कि मैं बात करूँ बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, इस तरीके से बनाएंगे और उनके बेसिस पे हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे उन विजुअल्स की हेल्प से। तो अब ये मेरा नेक्स्ट एजेंडा, जो नेक्स्ट एजेंडा होगा दैट विल बी आवर डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। तो अब एक बार डेटा विजुअलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्कडाउन कर दूंगा। मार्कडाउन में बेसिकली मेरे को जो हाई लेवल टेक्स्ट लिखना है उसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा परफेक्ट, एंड अब डेटा विजुअलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं अपने केपीआईज को देखता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट केपी है दैट इज प्लांट दैट इज ट्रीटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसी केपीआई के करस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले विजुअल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे केपीआई को दे देता हूँ। सबसे पहले कौन सा केपीआई हमारे को एनालाइज करना है या चार्टिंग जिसके करस्पॉन्डिंग हमें परफॉर्म करनी है, तो प्लांट दैट इज ट्रीटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर, ये हमें परफॉर्म करना है। इस करस्पॉन्डिंग केपीआई के अकॉर्डिंग हमें एनालिसिस परफॉर्म करनी है। पहले चार्ट बनाएंगे हम और फिर हम क्या करेंगे उस पे कंक्लूजन डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हमारे को ट्रीटमेंट प्लांट निकालना है जो ट्रीट कर रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम वेस्ट वाटर, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो ये कंबाइंड, ये वाला जो कंबाइंड डेटा फ्रेम बनाया है इसकी हेल्प में लेने वाला हूँ अब। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कंबाइंड जो डेटा फ्रेम था वो यहाँ पे आ गया है। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये हमारा कंबाइंड डेटा फ्रेम था जो हमने ज्वाइन लगा के हमने फेच कराया। अब हमें फ्रेंड्स करना क्या है, जो भी मेरे ये ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इन ट्रीटमेंट प्लांट्स ने कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रीट वाटर को ट्रीट किया है, ये हमारे को वॉल्यूम जो है यहाँ से आ जाएगा। तो हर एक ट्रीटमेंट प्लांट के करस्पॉन्डिंग जितना भी वॉल्यूम है उसको हमें सम टोटल करना है और उसको हमें किस तरीके से दिखाना है, हमारे को बार चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज को दिखाना है। तो बेसिकली ये जो होगा ये मेरा ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे होगा ये मेरी वॉल्यूम जो इन्होंने ट्रीट किया है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इस केपीआई को विजुलाइज करना है और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन में बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट मैक्सिमम कर रहा है और कौन सा मिनिमम कर रहा है। तो अब हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप बाय का यूज करूंगा, क्योंकि ग्रुप बाय की हेल्प से हम सारे जो मेरे सैन फ्रांसिस्को ट्रीटमेंट प्लांट ने वॉल्यूम ट्रीट किया है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ ग्रुप बाय परफॉर्म करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम कॉलम, एंड यहाँ क्या करूंगा और यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे जिसके ऊपर हमें ग्रुप बाय करना है। तो मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ इसको डिटेल में किस तरीके से ग्रुप बाय जो होता है वो यूज होता है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं मेरा जितना भी ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनके करस्पॉन्डिंग जितना उन्होंने वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीट किया है वो हमारा यहाँ आ गया है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो ये जो है दिस इज आवर ग्रुप बाय मेथड। अब किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बाय करना है, दैट इज आवर ट्रीटमेंट प्लांट नेम। ये था हमारा ट्रीटमेंट प्लांट नेम जो था, इसके अकॉर्डिंग हमारे को ग्रुप बाय परफॉर्म करना है। और क्या वैल्यूज और किन वैल्यूज को मैं कहूँ ग्रुप बाय करना है, दैट इज आवर वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड। जो भी वॉल्यूम की वैल्यूज थी उनको आपको सम परफॉर्म करना है, उन पे आपको सम करना है। तो बेसिकली फर्स्ट आपको ग्रुप बाय के ब्रैकेट में आप उन कॉलम्स का नाम देंगे जिनके करस्पॉन्डिंग आप कर रहे हैं
और जिन वैल्यूज को करना है वो आपकी बाद में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने नेम दिया है, आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हैं अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुप बाय परफॉर्म करना है। अभी के केस में मुझे क्योंकि सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट नेम के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है, तो मैंने केवल नेम ही यहाँ पे दे दिया है। वैल्यूज जो मेरे को ग्रुप करनी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड, और अब मेरे को समेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन वैल्यूज के ऊपर। तो जो मेरा आउटपुट आया वो किस चीज तरीके से आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इस आउटपुट के अंदर एक चीज मैं देखूंगा कि अगर मैं एक बार इनको असाइन कर देता हूँ, इस जो मेरा आउटपुट आया इसको एक बार असाइन कर लेते हैं। इसका नाम मैं ग्रुप्ड करके दे दूंगा और कंट्रोल एंटर करते हैं और एक बार टाइप देखते हैं। ये जो हमारा ग्रुप्ड आउटपुट आया है तो आप देख सकते हैं ये मेरा सीरीज टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बन के आया है यहाँ पे, इट इज नॉट डेटा फ्रेम। तो फ्रेंड्स अगेन जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो बताया था, डेटा फ्रेम के अंदर अगर हम अपने डेटा को रखते हैं तो इट्स लाइक टेब्यूलर स्ट्रक्चर, और वहां से हमारे को एनालिसिस पर करना, विजुअलाइजेशन करना काफी ईजी होता है। तो मैं क्या करूंगा, इससे सीरीज में रहने के बजाय, इस सीरीज में ये ट्रांसफॉर्म ना करे बेसिकली ग्रुप बाय, उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो एज इंडेक्स होगा यहाँ पे मेरा, इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। तो एक बार इसको हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एंटर, और आप अगर टाइप देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट जो है डेटा फ्रेम में आ गया है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ फ्रेंड्स, मैंने एज इंडेक्स फॉल्स क्यों किया है। अगेन मैं एक बार आपको अगर समझाऊं यहाँ पे, और तो आप देख सकते हैं दिस इज माय डेटा फ्रेम। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जो ग्रुप बाय करता है, ग्रुप बाय जो है वो सिंगल कॉलम, वो एक सिंगल कॉलम सीरीज को यहाँ रिटर्न कर देता है। पर अगर हम एज इंडेक्स फॉल्स कर देंगे तो उससे होगा क्या, जो नेम होगा जो पहले आपने अगर जब अगर मैं इसी को दिखाऊं एक बार आपको, तो अगर मैं सिंपली इसको क्लिक कॉपी कर लेता हूं और आप कंपेयर खुद कीजिएगा, देखिए तभी हम समझेंगे जब हम कंपेयर करके देखेंगे। तो यहां पे एज इंडेक्स को अगर मैं हटा दूं तो आप देख सकते हैं ये जो नेम कॉलम था वो मेरा इंडेक्स बन गया, उसकी वजह से जो मेरी वैल्यूज थी वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड की वो क्या हुआ, सिंगल कॉलम रह गई, और उस सिंगल कॉलम की वजह से ये सीरीज टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एज इंडेक्स फॉल्स कर देना है। इससे क्या होगा, जो जो नेम कॉलम होगा जिसके अलोंग आप ग्रुप बाय कर रहे हैं वो इंडेक्स नहीं बनेगा, वो ट्रीट होगा कॉलम की तरह और आपका डेटा फ्रेम ही रिटर्न होगा आउटपुट में। तो एक हैक कह लीजिए या फिर एक कह लीजिए टिप है जिसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई यूसेज नहीं है, एंड इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और अब एक बार इस डेटा को विजुलाइज करते हैं हम। तो इसके लिए फ्रेंड अब हम विजुलाइज करेंगे, एंड फ्रेंड्स अगेन इंपॉर्टेंट, विजुलाइजेशन के लिए हम अपनी प्लॉटली का एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज करेंगे क्योंकि उसकी हेल्प से हम वन लाइनर कोड के थ्रू अपने डिजायर्ड चार्ट्स को बना पाएंगे। तो अब देखते हैं, ये बात तो सब वर्ड्स की रही और अब रियल वर्ल्ड में किस तरीके से हम प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज करते हैं वो देखते हैं एक बार। ओके, तो अब हम क्या क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे जो भी वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो इट्स द इट विल बी द टोटल वॉल्यूम। परफेक्ट। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, प्लॉटली जो हमने लाइब्रेरी थी प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस उसका मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं। हमने एलियस जो था वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया था, तो हम एलियस उसका पी एक्स को यूज करेंगे और यहाँ बार मेथड को यूज करेंगे उसके। अब पी एक्स डॉट बार जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरे को डेटा फ्रेम को पास करना है अपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज करनी है, और रेस्पेक्टिव अगर और कुछ वैल्यूज हम सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं जो अपना डेटा फ्रेम आया है इसी को यहाँ पास कर दूंगा। एक्स के अलोंग मेरे को ट्रीटमेंट प्लांट्स के नेम देखने हैं, तो यहाँ मैं नेम रख दूंगा। और वाई एक्सिस के अलोंग मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड देखना है, तो मैं ये दे दूंगा और कंट्रोल एंटर। तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपने यहाँ पे देखिए कितनी लाइन का कोड लगा। इट्स लाइक अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, और उस सिंगल लाइन ऑफ कोड से आपका एक इंटरेक्टिव चार्ट बन के आ गया, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट जिस तरीके से आप देख सकते हैं लेबल और मेरे जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम थे, प्रॉपरली एंगल रोटेशन। अगर हम नॉर्मल करते तो ये एंगल रोटेट नहीं होते, रोटेशन ऑफ एंगल प्रॉपर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको आ रहे हैं जस्ट बाय यूजिंग और दिस सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो यही है एडवांटेज होता है प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल का, इसकी हेल्प से आप सिंगल लाइन ऑफ कोड से आप इस तरीके से इंटरेक्टिव चार्ट्स बना सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, लेट सपोज आपको ये थीम पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डार्क थीम ले लेता हूँ। तो टेम्पलेट, क्योंकि आजकल डार्क थीम काफ़ी फेमस है, तो हम प्लॉटली इंडेक्स डार्क कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे चार्ट्स जो हैं डार्क हो गए हैं। और अगर आपको मान लीजिए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कलर दिखाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कलर इक्वल टू नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो कलर हैं, बेसिकली जो कलर्स हैं वो हर एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। तो शिकागो का जैसे ब्लू है, ऑरेंज है, डेनवर ट्रीटमेंट का, इस तरीके से कलर्स हमारे चेंज हो गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज को सॉर्ट भी करना है बेसिकली, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज जो होता है वो फंक्शन यूज करूँगा। तो अगर इसके अंदर हम सॉर्ट कर दें बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब आप देख सकते हैं लोएस्ट लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक सॉर्ट हो गई है वैल्यूज। तो जैसे सबसे पहले हमारा जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है दैट इज सेक्रामेंटो ट्रीटमेंट प्लांट्स, और जो लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट प्लांट है दैट इज हाईएस्ट, दैट इज ट्रीटिंग हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो आपने कितने इजीली देख सकते हैं आप, वन लाइन ऑफ कोड से आपने इतना ब्यूटीफुल चार्ट बना लिया। वहीं अगर हम ये सॉर्टिंग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, कंट्रोल एंटर। तो अब ये रिवर्स बेसिकली सॉर्ट हो गया है। एंड फ्रेंड अगर अब मैं इसके अंदर कुछ ये जो मेरे बार थे इनके ऊपर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं वो भी परफॉर्म कर सकता हूँ थ्रू दिस सिंगल लाइन। तो टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ जैसे अगर मेरे को वॉल्यूम दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं जो भी वॉल्यूम ट्रीट हुआ है करस्पॉन्डिंग बार्स के ऊपर वो भी दिख रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर कुछ लेआउट में मेरे को चेंजेस करने हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे को वेट कम करनी है, सेंटर में टाइटल डालना है, वो चेंजेस भी मैं कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको फिग में असाइन कर दूंगा ये, और फिग डॉट अपडेट लेआउट जो मेरा मेथड होता है अपडेट लेआउट उसको यूज कर लूंगा। फ्रेंड्स अपडेट लेआउट के थ्रू मैं जैसे ये एक्स एक्सिस जो मेरा टाइटल है, वाई एक्सिस टाइटल है, या पूरे चार्ट का जो टाइटल है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज, या फिर मेरे चार्ट की वेड्थ है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज कन्फिगर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस टाइटल को अगर मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नेम ऐसे करके दे देता हूँ, और आप लोगों को दिखाऊँ फिग डॉट शो करके और कंट्रोल एंटर। ओके देना है। ओके तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट नेम मेरा जो एक्स एक्सिस टाइटल था ये अपडेट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस का भी टाइटल चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इसमें अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड मिलियन गैलन्स ऐसे करके कुछ दे दूँ और कंट्रोल एंटर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं वाई एक्सिस में भी मेरी वैल्यू चेंज हो गई है।
वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड मिलियन गैलन्स। इसी तरीके से अगर मैं सेंटर का टाइटल भी डालना चाहूँ तो, क्योंकि टाइटल की इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसे डिक्शनरी में लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कन्फिगर करूँगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे को टाइटल का टेक्स्ट देना है। इसके लिए मैं दे दूँगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऐसे करके दे दूंगा। और क्या कर सकते हैं हम, इसकी पोजीशन को सेंटर कर दूंगा, कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में मेरा एक टाइटल आ गया है। इस तरीके से अगर मैं विड्थ, अगर मैं इस पूरे चार्ट की विड्थ को 600 कर दूँ, रेंडम अभी फिगर देख रहा हूँ तो ये तो बहुत छोटा हो गया है, इसको हम बढ़ा देंगे 1000 तक रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं मैंने विड्थ भी पूरे चार्ट की स्मॉल कर दी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करिए इन प्रॉपर्टीज़ को, नई नई प्रॉपर्टीज़ जो प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल में होती है करस्पॉन्डिंग टू बार लाइन, उनको एक्सप्लोर कीजिए, खुद से चेंजेस कीजिए, कलर चेंजेस कीजिए, ये खुद से आप ट्राई करेंगे तभी आपको इस लाइब्रेरी को आप डीप में समझ सकेंगे। तो ये तो हमारी फ्रेंड्स फर्स्ट KPI थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया। तो अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट कर रहा है दैट इज़ लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट प्लांट, एक ग्लिम्स में हमें एक ग्लांस में पता लग गया। और जो सेक्रेमेंटो ट्रीटमेंट प्लांट है दैट इज़ ट्रीटिंग मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये कंक्लूजन हम अपनी जो भी मैंने बात की थी एनालिटिकल रिपोर्ट में उसमें मेंशन कर देंगे और इस चार्ट को हम उसमें अलाइन कर देंगे। बेसिकली इस चार्ट को हम यूज़ कर लेंगे अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में। तो फ्रेंड्स जब हम प्लॉटली एक्सप्रेस की बात कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया था कि हम इंटरेक्टिव चार्ट्स को यहाँ बना सकते हैं। अब अगर वो इंटरेक्टिव चार्ट्स की बात करें तो वो किस तरीके से हो सकता है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो बार्स आ रही हैं वो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम वेस्ट वाटर ट्रीट किया है वो ट्रीटमेंट प्लांट का डेटा सबसे पहले आ रहा है और लोएस्ट वाले का सबसे लास्ट में डिस्प्ले हुआ है। तो मान लीजिए अभी आपको केवल टॉप 3 जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनको डिस्प्ले करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, केवल 3 बार्स को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपका टॉप 3 जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनका डेटा आ गया है और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं टॉप 3 प्लांट्स का। तो इस तरीके से इंटरेक्टिव फीचर्स, एक्साइटिंग फीचर्स आपको प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल की हेल्प से मिलते हैं जब आप चार्ट बनाते हैं। तो मैं अगेन एम्फेसाइज करूँगा आप लोग भी इस मॉड्यूल को यूज़ कीजिए, इसकी हेल्प से डिफरेंट चार्ट्स को ड्रॉ कीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को कन्फिगर करके डिफरेंट अपने जो असाइनमेंट्स होंगे या फिर रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट KPI। अब फ्रेंड हम सेकेंड KPI को देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब एक बार फ्रेंड्स सेकेंड KPI को देखते हैं तो इसके अंदर फ्रेंड्स बोला गया है कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर का। अगर इसको डिटेल में समझे तो हमें क्या है, हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल, यहाँ से हमारा बेसिकली ये हमारे सोर्सेज हैं वेस्ट वाटर के, ये हमारे सोर्सेस हैं वेस्ट वाटर के। तो इनसे कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ हम वो देखेंगे और टोटल वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है उसमें रेजिडेंशियल का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें हेल्थ केयर का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल वॉल्यूम में, और यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ, और इंडस्ट्रियल का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल वॉल्यूम में, इसको हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ इन परसेंटेज टर्म्स। तो ये तीनों जो होगा ये परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे और फाइनली क्या करना है, बेसिकली हमारे को यहाँ पे पाई चार्ट में ये डेटा को दिखाना है। तो अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगेन मेरे को ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा और यहाँ मैं ऊपर दिखाऊं आपको, हमने जब डेटा मॉडलिंग कर रहे थे तो एक ये मर्ज जो हमारा डेटा फ्रेम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सोर्सेस DF, इसका हम यूज़ करेंगे इस KPI के करस्पॉन्डिंग विजुलाइजेशन के लिए।
तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये सोर्स नेम हमारे पास रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, ये सोर्स नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड है। तो अब क्या करना है, हमें करस्पॉन्डिंगली ग्रुप बाय करना है कितना वॉल्यूम रेजिडेंशियल से जनरेट हुआ, कितना इंडस्ट्रियल से, और कितना हेल्थ केयर से। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अगेन ग्रुप बाय मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय कर दूंगा, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे, ग्रुप बाय करेंगे सोर्स नेम के बेसिस पे, परफेक्ट। एंड जो वैल्यू हमें ग्रुप बाय करनी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड, ओके। एंड हमें क्या करना है, समेशन परफॉर्म करना है। तो एक बार कंट्रोल एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल से जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आ गया है, और वैल्यू भी हमारी इंटीजर फॉर्मेट में आ रही है, तो ये वैल्यू सही है। बस एक ही इशू है, जो ये जनरेट हुआ है डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज सीरीज, तो हमें सीरीज में नहीं, हमें डेटा फ्रेम फॉर्म में रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज इंडेक्स को फॉल्स कर दूंगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम फॉर्म में आ गया है, सोर्स नेम एक कॉलम है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीट जो कर हुआ है, जो बेसिकली जनरेट हुआ है इन सोर्सेस से। तो आप फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको एक बार मैं यहाँ पे जो भी हमारा ग्रुप डेटा है इसका नाम दे देंगे इस डेटा फ्रेम का। तो इसके लिए मैं अंडरस्कोर यहाँ पे ग्रुप्ड लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि तो ग्रुप डेटा फ्रेम में आया है, और इसके बेसिस पे आप फ्रेंड्स हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ एक बार मैं कमेंट दे देता हूँ, मैं प्रॉपर कमेंट्स लिखने होते हैं फ्रेंड्स जब भी हम कोडिंग कर रहे हैं। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड अब नेक्स्ट फ्रेंड हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा को। तो फ्रेंड विजुलाइजेशन के लिए, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे हमको पाई चार्ट लेना है, तो बेसिकली हम अब पाई चार्ट को ड्रॉ करने वाले हैं यूजिंग प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल का जो एलियस है उसको लेंगे और यहाँ पे फाइल लिख देंगे। अब फ्रेंड्स जैसे इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं आप, इसमें डेटा फ्रेम पास करना है, नेम्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें पास करनी है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे हम इसको लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने डेटा फ्रेम, ग्रुप डेटा फ्रेम बनाया है उसी को पास कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेम्स, नेम्स के अंदर क्या क्या नेम्स लेने हैं, वो नेम्स हमारे सोर्स नेम हो जाएंगे। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देंगे हम, परफेक्ट। एंड वैल्यूज, वैल्यूज हमारे को जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीट हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ये वाला कॉलम हमारा यहाँ आ जाएगा, परफेक्ट। एंड अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैंने इसको शायद रन नहीं किया है। तो एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, परफेक्ट। अब इसको एक बार देखेंगे तो यस, आप यहाँ देख सकते हैं मेरा एक पाई चार्ट बन गया है। पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट सोर्सेस की कि हेल्थ केयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज 33.4, और सिमिलर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल से आया है, और रेजिडेंशियल से भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम फ्रेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो तीनों सोर्सेज थे वो ऑलमोस्ट इक्वल वाटर जनरेट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाएगा जिसे हम एनालिटिकल रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा हम इसको और ब्यूटीफाई करें यहाँ पे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्पलेट को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लॉटली अंडरस्कोर डार्क, तो ये डार्क फॉर्म में आ जाएगा। एंड अगर आपको इसको डोनट चार्ट बनाना है तो आप डोनट चार्ट भी इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसकी होल प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डोनट चार्ट बन के आ गया है। तो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं।
अगर अब मैं लेआउट को इसके चेंज करता हूँ थोड़ा सा, तो सबसे पहले उसके लिए मेरे को फिग में से असाइन करना होगा, और फिग की जो अपडेट लेआउट प्रॉपर्टी होती है उसका हम यूज़ करेंगे। तो अपडेट लेआउट में मैं सबसे पहले यहाँ विड्थ को इसको स्मॉल कर देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं 500 रख के इसको शो करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो अब हमारा जो विड्थ है इसकी कम हो गई है इस पर्टिकुलर विजुअल की हमारी। एंड अलग अलग फैक्टर्स जो हमें चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं टाइटल को चेंज करना चाहूँ तो टाइटल मैंने जैसे आपको बताया था उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, तो डिक्शनरी फॉर्म में लेंगे उसको। एंड सबसे पहले टाइटल का टेक्स्ट हम यहाँ दे देते हैं, तो उसके लिए मैं यही टेक्स्ट यहाँ पे दे दूंगा। और पोजीशन जो टाइटल की रखते हैं हम सेंटर रख देते हैं यहाँ। तो अगर कंट्रोल एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं सेंटर में मेरा टाइटल आ गया है। इसी तरीके से आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है कि कितना टेक्स्ट साइज आए, बोल्ड में आए, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये तो हमारी हुई सेकंड केपीआई। अब फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट केपीआईज को देखते हैं। अब फ्रेंड्स एक बार हम अपनी थर्ड केपीआई को भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हाईली यूटिलाइज ट्रीटमेंट प्लांट हमें बताना है। पर फ्रेंड्स जो डेटा हमारे पास गिवन है उस हिसाब से ये बिट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, और इसको हमें ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से हम हाईली यूटिलाइज ट्रीटमेंट प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो विजुअल हमें यूज़ करना है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे को जो हमारा ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट DF ये वाला जो हमारा मर्ज करके जो हमारा डेटा फ्रेम आया था हमें इसको यूज़ करना होगा। तो एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक एम्प्टी सेल को हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एंटर करते हैं। तो अब इस रिक्वायरमेंट को मैं आपको एक बार समझाता हूँ इसमें हमें करना क्या है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है जो हमने डिराइव किया था कैपेसिटी अंडरस्कोर न्यू। तो यहाँ पे हमें डेली की कितनी कैपेसिटी है किसी प्लांट की, ट्रीटमेंट प्लांट की, वो गिवन है। जैसे इस प्लांट की 100 मिलियन गैलन्स पर डे है, पर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स ये 100 जो है ये 3 बार वैल्यू रिपीट हो रही है। उसका रीजन ये है कि जो सोर्सेस है, जो हमारे सोर्सेस है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे 33, 27, 28 ये 3 वैल्यूज आ रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तीनों की जो डेट है दैट इज सेम, यहाँ पे आप देखें तो तीनों की डेट सेम है पर वैल्यूज अलग आ रही है, क्योंकि जो जो वैल्यूज आती हैं ये इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और रेजिडेंशियल, इन तीनों सोर्सेस से क्योंकि वैल्यूज आ रही हैं इसलिए इसके लिए 3 रोज बनती हैं। पर करस्पॉन्डिंगली 3 रोज हमारी यह कैपेसिटी की भी बन जाती हैं। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि प्लांट की कैपेसिटी 3 बार रिपीट हो रही है। ओरिजिनल अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं, ओरिजिनल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं फॉर दिस सैन फ्रांसिस्को ट्रीटमेंट प्लांट दैट इज सैन फ्रांसिस्को, तो इसकी केवल ओरिजिनल कैपेसिटी 100 मिलियन गैलन पर डे ही है, पर यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 3 रोज आ गई हैं। तो यूटिलाइजेशन निकालने के फ्रेंड, यूटिलाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं यूटिलाइजेशन निकालनी है तो हमें ये जो 33, 27 और 28 तीनों सोर्सेस से जो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ है इसको हमें सम करना होगा। बेसिकली ये तीनों वैल्यूज हमारी सम होंगी और डिवाइड में फ्रेंड ये जो हमारी टोटल इसकी कैपेसिटी है इसको हमें यहाँ रखना होगा। इसी तरीके से हम यूटिलाइजेशन निकाल पाएंगे। तो ये जैसे हमने एक यूटिलाइजेशन एक दिन की निकाल ली जैसे 3rd of January, इसी तरीके से हमें रेस्ट ऑफ द डे की भी यूटिलाइजेशन निकालनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो ये हमारी एग्जैक्ट एक रिक्वायरमेंट होगी। अब फ्रेंड्स ये जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करना भी हमें 2 पार्ट्स में है। Part 1 में हमें क्या करना है, हमें डे वाइज हमें यूटिलाइजेशन निकालनी होगी, और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना होगा हमें, पहले तो डे वाइज यूटिलाइजेशन हम निकालेंगे, उसके बाद Step 2 या Part 2 में हमें क्या करना है, इस डे वाइज यूटिलाइजेशन को हमें इसका एवरेज ले लेंगे हम
ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट नेम। तो प्लांट के बेसिस पे ओवरऑल यूटिलाइजेशन या फिर मैं कहूँ एवरेज यूटिलाइजेशन हमें पर प्लांट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो दैट इज आवर पार्ट वन, दैट विल आवर पार्ट टू। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डेट कॉलम भी नेम प्लस डेट कॉलम इन दोनों का यूज करके ग्रुप बाय करनी पड़ेंगी एंट्रीज को। तो ग्रुप बाय हम इन वैल्यूज को करेंगे और इनका हम सम ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था यहाँ पे हम इनको सम ले लेंगे इन वैल्यूज का, और इन वैल्यूज का हमें मीन लेना होगा। द रीजन बीइंग ये वैल्यूज जो है हमारी रिपीट हो रही है कैपेसिटी की, ओवरऑल कैपेसिटी 100 ही है बट क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से वेस्ट वाटर आ रहा था इस वजह से ये तीन बार वैल्यूज रिपीट हो गई हैं। तो इस केस में हमें यहाँ पे मीन लेना होगा और यहाँ पे हमें सम लेना होगा। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक सेल को ऐड कर लेता हूँ एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, एक बार अपने इसी डेटा फ्रेम को हम ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय में सबसे पहले एक्टिविटीज मेरे को क्या करनी है, नेम और डेट वाइज, डेट ये हो गया हमारा और नेम वाइज हमको ग्रुप बाय करना है और सम करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड को। एक बार इसको परफॉर्म कर लेते हैं एक्टिविटी को। तो अगर हमें दो कॉलम्स पे अगर हमारे को ग्रुप बाय करना होता है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नेम कॉलम को दे दूंगा मैं और उसके बाद डेट को दे दूंगा। दोनों कॉलम्स आगे मैं ग्रुप बाय किस वैल्यू को करना है बेसिकली, जिसके ऊपर हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना है उस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे। तो दैट विल बी आवर वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड एंड फाइनली हमें सम परफॉर्म कर लेना है। द रीजन क्यों हम सम कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर जो आया है इसको हमें सम टोटल करना है एक दिन की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसे सम कर देंगे एंड अगेन क्योंकि हमें सीरीज डेटा स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हमारे को डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में चाहिए ये चीज़ें, तो हम एज इंडेक्स को फॉल्स कर देंगे, कंट्रोल एंटर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3rd of January को डिफरेंट सोर्सेज से जो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ वो शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3rd of January को 136 मिलियन गैलन्स था। तो ये हमारा जो वेस्ट वाटर था जनरेट हुआ और ये जनरेट हुआ था तीन डिफरेंट सोर्सेज से, रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर एज वेल एज अवर इंडस्ट्रियल। तो फ्रेंड्स अब ये जो वैल्यूज आ गई, दिस इज वॉल्यूम जो हमारा सम आया है डिफरेंट सोर्सेज से वो, अब इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को जैसा हमने डिस्कस किया था इन वैल्यूज का हमें मीन लेना होगा क्योंकि ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, हमारे को तो एक सिंगल वैल्यू ही चाहिए तो इसके लिए हमें मीन लेना पड़ेगा इन वैल्यूज का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा यहाँ और अगर मैं यहाँ जाऊँ इसमें हमारे को कैपेसिटी अंडरस्कोर न्यू जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग मीन लेना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड की जगह या कैपेसिटी न्यू और सम की जगह मुझे मीन कर देना है, कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट का 3rd of January को कैपेसिटी थी 150 मिलियन गैलन्स पर डे और इसने ट्रीट किया 136। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन पर डे अगर हम देखें तो 136 डिवाइड बाय 150, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो 136 वैल्यू है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी हमारी और डिवाइडेड बाय 150। 3rd of January की डेट थी, ये भी हमारी 3rd of January थी और शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट था, ये भी हमारे शिकागो ने वैल्यू मैच कर ली। तो 136 डिवाइडेड बाय 150 ये हमारी यूटिलाइजेशन आ जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर डे। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट डे हम डिफरेंट वैल्यूज को डिवाइड करके यूटिलाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, अब मैं यही एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हूँ। तो पहले इनको एक बार मैं साइन कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ग्रुप बाय कर रहे हैं हम बेसिकली। अब ग्रुप बाय कर रहे हैं हम नेम एंड डेट के बेसिस पे। तो एक तरीके से ऐसे नाम मैंने दे दिया, आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक हमारा ये डेटा फ्रेम हो जाएगा
और इसको मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगा। एंड यहाँ पे एक बार सॉर्ट भी कर लेते हैं हम वैल्यूज को, तो सॉर्ट भी कर लेता हूँ मैं वैल्यूज को बाय बाय में। यहाँ पे मैं दोनों ये जो ग्रुप बाय किए इन्हीं के बेसिस पे मैं वैल्यूज को सॉर्ट भी कर लेता हूँ। ओके कंट्रोल एंटर परफेक्ट। एक बार इसको अगर मैं रन करके देखूँ यहाँ, ओके हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इसी तरीके से पहले एक बार इसको असाइन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि नेम की कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, रादर देन ये नाम देने के मैं इसको दूसरा नाम यहाँ दे देता हूँ। यहाँ पे हमने क्योंकि वॉल्यूम के बेसिस पे किया है तो इसे वोल दे देते हैं। और एक बार अगर इसे कंट्रोल एंटर करते हैं तो सेम नाम ही मैं यहाँ पे एक बार देख कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ कि डेटा आया है या नहीं। ओके डेटा आ गया है परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे एंड वॉल्यूम की जगह यहाँ पे हम कैपेसिटी कर देंगे। ओके एंड इसको कंट्रोल एंटर परफेक्ट। एंड इसको भी हम सॉर्ट कर लेंगे, इसकी भी वैल्यूज को सॉर्ट वैल्यूज बाय जिन भी कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, तो हम इन्हीं दोनों कॉलम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैं एग्जैक्ट इसे यहाँ कॉपी कर दूंगा और फिर से कंट्रोल एंटर परफेक्ट। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, डिवीजन एक्टिविटी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाया था कि ये जो 136 वैल्यू होगी इसको हमें जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड करना है, तो वही एक्टिविटी नेक्स्ट हम करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने इस डेटा फ्रेम को मैं लूँगा, इसको पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड है इसको न्यूमरेटर में रखूँगा मैं, और डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगा कैपेसिटी वाले डेटा फ्रेम जो है इसको ले लूँगा, और इसका जो कैपेसिटी न्यू कॉलम है इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वैल्यूज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड हो गई हैं। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, राउंड भी कर सकता हूँ मैं टू प्लेसेस पे, तो एक बार वो एक्टिविटी भी परफॉर्म करता हूँ मैं। उससे पहले मैं फ्रेंड क्या करूँगा, क्योंकि ये वैल्यूज मेरे को यूटिलाइजेशन जो है पॉइंट में आ रहा है, तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कंट्रोल एंटर परफेक्ट। एंड इन वैल्यूज को डेटा फ्रेम में ऐड कर लूंगा अपने, तो आप नया डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम्स में भी इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना टाइम सेव करने के लिए, एक एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटा फ्रेम है मैं उसी के अंदर यूटिलाइजेशन को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे नया कॉलम हम बना लेंगे परफेक्ट, ये हमारा नया कॉलम हो गया है। और अब हम अगर इस वाले डेटा फ्रेम को देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन आ गई है। एक काम और हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैंने बताया था जो हम राउंड करनी है हमें वैल्यूज, तो हम उनको राउंड भी कर लेते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे डॉट राउंड टू प्लेसेस तक राउंड कर देते हैं कंट्रोल एंटर, तो वैल्यूज कुछ इस तरीके की आ गई हैं। और इनको फिर हम दोबारा से असाइन कर देते हैं इसी कॉलम में परफेक्ट। एंड अब अगर कंट्रोल एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं टू प्लेसेस में राउंड हो गया है। तो अगर मैं यहाँ शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट के 3rd of January की बात करता हूँ तो ये यूटिलाइज था 90.67%। एंड अगर हम इन वैल्यूज को भी डिवाइड करें 136 को, अगर मैं 136 को डिवाइड करता हूँ 150 से,
आप देख सकते हैं 90.66 आता है, रफली वही वैल्यू हमारी 90.67 राउंड ऑफ करके आ गई है। 150 मैंने कैसे लिया था फ्रेंड, क्योंकि 150 कैपेसिटी थी इसकी इस दिन के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इस डेटा फ्रेम के अंदर, इस वाले डेटा फ्रेम को मेरे को, यस यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 मेरी कैपेसिटी थी और कितना यूटिलाइज हुआ था इस दिन, ये 136। तो 136 डिवाइडेड बाय दिस 150, ये आ गया 90.67। तो ये पर डे की यूटिलाइजेशन आ गई है। तो बेसिकली हमने पार्ट वन को कवर कर लिया। अब पार्ट टू में फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट की एवरेज यूटिलाइजेशन निकाल लेनी है। तो शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट के बेसिस पे ग्रुप बाय करूंगा जब मैं इस डेटा फ्रेम में, तो मेरी एवरेज यूटिलाइजेशन आ जाएगी। एवरेज यूटिलाइजेशन कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है, जैसे मेरी शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट की डिफरेंट डेज की यूटिलाइजेशन यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इसका मीन ले लेना है ताकि मेरी एवरेज यूटिलाइजेशन क्या थी मेरी शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट की, वो पता लग जाए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट यूटिलाइज निकालना है। तो हाईएस्ट यूटिलाइज के लिए फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, हम एवरेज लेंगे डेली बेसिस पे जो आया है उसका एवरेज लेके, जो भी हाईएस्ट यूटिलाइज होगा उसको हम बेसिकली अपने कंक्लूजन में ऐड कर देंगे। तो अब मेरे को नेक्स्ट एक्टिविटी वही करनी है, तो हम इसी डेटा फ्रेम को यूज करेंगे और एक और ग्रुप बाय यहाँ पे लगा देंगे। इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली जो मेरी यूटिलाइजेशन, जो मेरा वैल्यू आई है यूटिलाइजेशन यस, उसको मीन ले लेना है जिससे एवरेज यूटिलाइजेशन आ जाए मेरे ट्रीटमेंट प्लांट की। तो ये डॉट एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, इसको एक बार हटा देंगे हम, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं एवरेज यूटिलाइजेशन आ गई है मेरी शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट, डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट, इनकी एवरेज यूटिलाइजेशन मेरी यहाँ पे आ गई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक और डेटा फ्रेम यहाँ बना लूँ, एवरेज यूटिलाइजेशन DF ऐसे करके, एंड यहाँ पे अगेन मैं रादर देन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के मुझे डेटा फ्रेम चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे को एज इंडेक्स को बस फॉल्स कर देना है यहाँ पे, कंट्रोल एंटर, परफेक्ट। एंड अगर एक बार अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं नेम एंड यूटिलाइजेशन मेरी आ गई है। अब फ्रेंड्स एक बार इसको प्लॉट भी कर लेते हैं इस डेटा को, तो उसके लिए हमारी प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल को हम यूज़ कर लेंगे। तो हम एलियस करेंगे px.bar और बार एक बार देख लेते हैं हमें किस टाइप का दिखाना है यहाँ पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल बार। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले डेटा फ्रेम, तो मेरा डेटा फ्रेम यही हो जाएगा यहाँ पे, एंड जो x होगा, x पे फ्रेंड्स बार में हमारा क्या होगा, वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमें इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ यूटिलाइजेशन को दे दूंगा x, एंड y पे मैं दे दूंगा नेम को। अगर प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल हॉरिजॉन्टल बार चार्ट मेरा यहाँ पे आ गया है और यूटिलाइजेशन आ गई है। अब जो नेक्स्ट टास्क होगा वो बेसिकली हमारे को इसको ब्यूटीफाई करने का रहेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, टेम्पलेट को भी चेंज कर लेते हैं, प्लॉटली अंडरस्कोर डार्क, परफेक्ट। एंड बेसिकली इसमें फ्रेंड एक और भी चीज़ हम कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब कलर बेसिकली फ्रेंड्स हमने, अगर आपको याद हो जब हम KPI 1 फुलफिल कर रहे थे, वहाँ पे कलर हमने नेम के बेसिस पे दिया था। अब इस केस में अगर फ्रेंड्स मैं कलर को यूटिलाइजेशन के बेसिस पे देता हूँ, तो देखिए आप क्या होता है, तो इसमें जो हाईली यूटिलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट था उसका येलो कलर है और जितना लीस्ट यूटिलाइज्ड है वो ब्लूइश शेड में जाता गया है। तो ये की है बेसिकली किस तरीके से यूटिलाइजेशन में येलोइश से ब्लूइश हो रहा है, जो मीडियम यूटिलाइज्ड है वो पिंकिश या मैं कहूँ पर्पल शेड में है, और जो लोएस्ट यूटिलाइज्ड है वो ब्लू में है, और हाईएस्ट यूटिलाइज्ड येलो में है। इसके लिए हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सॉर्ट कर लेंगे हम
रियलाइजेशन के बेसिस पे कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट प्लांट इज हाईएस्ट यूटिलाइज्ड, तो यहाँ पे 94.91% बेसिकली यूटिलाइजेशन है इसकी, एंड डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट इज लोएस्ट यूटिलाइज्ड। एंड अगर इसमें अब आपको टेक्स्ट या कुछ और प्रॉपर्टी भी सेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम गेन यूटिलाइजेशन, आप एक बार फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड में चेंजेस कर रहा हूँ और यहाँ मेरा आउटपुट आ रहा है। एक बार फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि ये यूटिलाइजेशन में यहाँ पे मेरे को एक बार राउंड फंक्शन दोबारा यूज करना पड़ेगा, अब अगर इसको देखते हैं टू प्लेसेस पे, परफेक्ट ये टू प्लेसेस पे नहीं आ रहा था, आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद मल्टीपल वैल्यूज आ रही थी, तो अब मैंने ये टू प्लेसेस पे राउंड कर लिया तो ये टू प्लेसेस पे आ गया है। हाईएस्ट यूटिलाइज्ड लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट प्लांट और लोएस्ट यूटिलाइज्ड डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट था हमारा, तो इस तरीके से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। वहीं अगर मैं इसको फिग में असाइन कर देता हूँ और पिग में असाइन करने के बाद लेआउट को भी अपडेट कर लेते हैं अपना अपना, पिग डॉट अपडेट लेआउट, और इसके अंदर सबसे पहले मैं टाइटल को डाल देता हूं, टाइटल का नाम, तो वी आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड पोजिशन में इसकी रख देता हूँ 0.5, परफेक्ट। एंड अगर मैं विड्थ भी अगर इसकी कम करना चाहूँ तो विड्थ भी इसकी अगर 1000 कर देते हैं एंड पिग को अगर शो कर देते हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं ये चार्ट की विड्थ जो थी मेरी कम हो गई है, और अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स हम ये जो हमारे टाइटल्स हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का ये भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपने चार्ट को। अब फ्रेंड्स ये तो रही केपीआई 3, जिसके अंदर हमने, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं आपको हमने क्या किया था, हम यहां से चल सकते हैं सबसे पहले। ओके, तो क्योंकि हमारे पास फ्रेंड्स क्या था कि जो कैपेसिटी थी वो वैल्यूज रिपीट हो रही थी डेली, और जो वॉल्यूम था वो वैल्यूज डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले हमने सम परफॉर्म किया इस स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप था वहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैं एक बार लिखता जाता हूँ, वी आर परफॉर्मिंग समेशन ऑन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट नेम एंड डेट, ताकि इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी रेजिडेंशियल हेल्थ केयर का जो भी सोर्सेज से वेस्ट वाटर आ रहा है उसका समेशन कर लिया और डेली बेसिस पे वैल्यू निकाल ली, दैट वाज आवर स्टेप वन। ये तो हमने जस्ट वैल्यू शो करने के लिए किया था, इसको एक बार डिलीट कर देंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमने फ्रेंड क्या किया था, मीन ले लिया था, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो रही थी 100 100, तो इनको हमने मीन ले लिया, तो यहाँ पे टेकिंग मीन ऑफ कैपेसिटी अंडरस्कोर न्यू कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन किस बेसिस पे हमने मीन लिया है तो हम कॉपी कर लेंगे, ये हो गया। थर्ड स्टेप में हमने फ्रेंड क्या किया, हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया बट ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस, तो आइडेंटिफाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑन डेली बेसिस, तो डेली बेसिस पे हमारा यूटिलाइजेशन आ गया। और फाइनली यहाँ क्या किया हमने, ये बस राउंड करने के लिए मैंने स्टेप लिया था, उसके बाद लास्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिफाइंग एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट। ओके,
एंड ये तो स्टेप बस हमने शो करने के लिए किया था, इसको डिलीट कर देंगे। और फाइनली यहाँ किया हमने प्लॉट, तो प्लॉटिंग एवरेज यूटिलाइजेशन डेटा। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप जो था हमने केपीआई की जो ये हमारे को रिक्वायरमेंट की बनती उसको फुलफिल कर लिया। अब फ्रेंड्स एक बार हम अपने केपीआई 4 जो है उसको देख लेते हैं और देखते हैं उसको किस तरीके से हमें विजुलाइज करना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट केपीआई गिवन है दैट इज हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमें हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट को आइडेंटिफाई करना है और जो हमें चार्ट बनाना है दैट इज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो बेसिकली क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में हमें जो डिफरेंट बार्स होंगे वो एफिशिएंसीज के बेसिस पे प्लॉट होंगे। तो जो हाईली एफिशिएंट जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होगा उसका बार सबसे ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा होगा, और लोएस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट का बार सबसे छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग को बेंचमार्क बनाते हुए अब हमारे को विजुअलाइजेशन करनी है और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो अब एक बार विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं पहले आपको यहाँ दिखाऊं, हमने जब डेटा मॉडलिंग कर रहे थे तो डेटा मॉडलिंग के वक्त हमने दो डेटा फ्रेम्स को बेसिकली ज्वाइन लगाया था। एक ज्वाइन जो हमने परफॉर्म किया था वो था बिटवीन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डेटा फ्रेम एंड सोर्सेज डेटा फ्रेम, और एक ज्वाइन परफॉर्म किया था हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट डेटा फ्रेम। तो अभी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट प्लांट डेटा फ्रेम का यूज रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पर्टिकुलर जो मेरा डेटा फ्रेम है इसको कॉपी कर लूंगा और सबसे लास्ट सेल में आ जाऊंगा। ओके तो बेसिकली हम यहाँ केपीआई 4 के अकॉर्डिंग एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जब एक बार इसको मैं रन करके देखता हूँ तो मेरे पास ये जो कंबाइंड डेटा फ्रेम था उसका ये डेटा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बार डेटा को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट करते हैं उसका एक रिजल्ट करके एक कॉलम है, एक यहाँ पे एक रिजल्ट करके कॉलम है। अब रिजल्ट में फ्रेंड्स किसी दिन पास आ रहा है, कभी फेल आ रहा है ये रिजल्ट, कभी पास 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 और कई बार फेल आ रहा है। तो एफिशिएंसी, जब भी फ्रेंड एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी के अंदर हमें फ्रेंड्स क्या करना होता है, जो भी हमारा वॉल्यूम जब पास था डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो किसी ट्रीटमेंट प्लांट ने ट्रीट किया है, उस बेसिस पे हम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। दोबारा से समझते हैं कि जितना भी सक्सेसफुली, ये पास का मतलब जितना भी सक्सेसफुल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो ट्रीट हुआ है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। तो अब इसी को किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या क्या एक्शन लगेंगे, क्या ग्रुप बाय करना है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैं फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या करूंगा, एक बार यहां से क्योंकि हम हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट निकाल रहे हैं इसको कॉपी करके अब मैं कमेंट्स में यहां डाल दूंगा एपीआई 4 आइडेंटिफाइंग हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अब फ्रेंड्स जब भी अगर मेरे को कोई भी डेटा, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं पास फेल पास पास, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल जो पास वाला डेटा है फेल वाले को रिजेक्ट करना है और पास वाले को रखना है। तो बेसिकली अगर आप सोचें, अगर आप एक सेकंड इस बात को सोचते हैं कि यहाँ पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो वो एक्शन होगा फ्रेंड फिल्टरिंग। तो हमें डेटा की फिल्टरिंग करनी है बेसिकली यहाँ पे, और केवल जहाँ पे रिजल्ट पास है उसी डेटा को रखना है क्योंकि वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा जब भी हमारे को एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रेंड्स फिल्टरिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट कॉलम। तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता, हमें अपना जो ये कंबाइंड डेटा फ्रेम है इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसका हमें क्या करना है रिजल्ट कॉलम को यहाँ लिख देंगे। एंड जब भी ये पास है वो वाली रोज मेरे पास लेके आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सारी जो रोज हैं वो
पास वाली ही आई हैं, जो फेल वाली रोज थी वो हमारी इलिमिनेट हो गई हैं। अब ये फ्रेंड जो हमारा जो डेटा सेट था वो फिल्टर हो चुका है। अब अगर हम चाहें और इसके ऊपर ग्रुप बाय परफॉर्म करें और सारा जो वॉल्यूम सक्सेसफुली जो ट्रेड हुआ है उसको ग्रुप बाय कर दें ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रीटमेंट प्लांट नेम, तो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यूज इजीली आ जाएंगी। तो अब मैं वही एक्शन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रुप बाय कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड किन वैल्यूज को हमें ग्रुप बाय करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटेड, ये हो जाएगा हमारा। एंड हमें करना क्या है, हमें सम परफॉर्म करना है, कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुल जो वॉल्यूम ट्रीट हुआ है वो शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट ने 4110, डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट ने 1221, ये वो जो हमारा वॉल्यूम है ये सक्सेसफुली ट्रीट हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, और एक और बात फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको टोटल वॉल्यूम दिखाऊं यहाँ पे कि टोटल वॉल्यूम कितना इन्होंने ट्रीट किया था, तो जिसका ट्रीटमेंट किया था इन्होंने वेस्ट वाटर का इन्हीं ट्रीटमेंट प्लांट्स ने, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो वो हमने यहाँ पे निकाला था फ्रेंड्स, इसको मैं ले आता हूँ कॉपी करके, तो आप कंपेयर भी इजीली कर पाएंगे। ओके एंड एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इंडेक्स फॉल्स कर देंगे ताकि जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा दिखे वो हमारा डेटा फ्रेम फॉर्म में हो ना कि सीरीज फॉर्म में। परफेक्ट, अब आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं जो मेरा शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट है उसने 4110 जो वॉल्यूम था दैट इज सक्सेसफुली ट्रीटेड, बट टोटल वॉल्यूम जो ट्रीट किया दैट वाज 4577। तो एफिशिएंसी जब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी निकालने की, तो हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ जो ये 4110 वाली वैल्यू है ये न्यूमरेटर में आएगी और ये 4577 जो ये वैल्यू है दैट विल बी आवर डिनोमिनेटर, और इसको जब हम 100 में से कर देंगे तो हमारी यहाँ से एफिशिएंसी परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट का देखा, सिमिलरली हम डेनवर ट्रीटमेंट, लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट, इन सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे निकाल लेंगे, और जो फाइनली जो हमारा प्लॉट आएगा दैट विल बी आवर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, जिसके बेसिस पे हम एफिशिएंसी को देखेंगे। और जिस भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लांट के हाई एफिशिएंसी आएगी उसको हम अपने जो एनालिटिकल रिपोर्ट होगी उसमें कंक्लूजन में मेंशन कर देंगे, जो भी हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट यहाँ पे बनेगी एनालिसिस के बाद उसमें मेंशन कर देंगे। ओके एंड यहाँ पे मैं ग्रुप बाय के बाद बेसिकली एक बार सॉर्ट भी कर देता हूँ ताकि नेम जो हो प्रॉपर सॉर्टिंग के बाद आए यहाँ पे, तो सॉर्ट वैल्यूज बाय नेम, नेम ओनली मैं सॉर्ट कर दूंगा। परफेक्ट एंड सिमिलरली मैं इसको भी सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट वैल्यूज बाय नेम, ताकि सॉर्टिंग जो हो प्रॉपर हो ट्रीटमेंट प्लांट के अगेंस्ट। तो ये भी हमारा सॉर्ट हो गया है। अब इन रिजल्ट्स को हमें असाइन कर देना है, तो इसको तो मैं सक्सेसफुली ट्रीटेड ऐसे करके एक डेटा फ्रेम बना लूंगा, अंडरस्कोर डीएफ सक्सेसफुली ट्रीटेड डीएफ करके कंट्रोल एंटर, एंड इसको मैं सेम के अंदर ही असाइन कर दूंगा। परफेक्ट, तो अब एफिशिएंसी में फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है हमें, ये जो मेरा डेटा फ्रेम आया है इसको मैं न्यूमरेटर में रख दूंगा इसके वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड को, और यहाँ पे जो ये वाला मेरा नीचे वाला डेटा फ्रेम था इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे हम और रेस्पेक्टिव कॉलम को मेंशन कर देंगे। कंट्रोल एंटर, वैल्यूज आ गई हैं। एंड अब क्या करना है, एक नया कॉलम जो हमें डिराइव करना है और ऐड कर देंगे इस वाले डेटा फ्रेम में, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और इसका नाम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम दे देंगे इस कॉलम का नाम, कंट्रोल एंटर। अब एक बार अगर हम अपने इस डेटा फ्रेम को देखते हैं कि कैसे दिख रहा है ये डेटा फ्रेम, कंट्रोल एंटर, तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी एफिशिएंसीज आ गई हैं। एंड
में काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इनटू 100 अगर करें, ओके, तो इस तरीके से हमारी एफिशिएंसीज आ गई हैं। जैसे शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट की 89% है, डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट की 94 है। तो अब हमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, अब इस डेटा को हमें बस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में प्लॉट करना है, और जिसके लिए हम अपना प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज करेंगे। एक काम और हम यहाँ कर सकते हैं, वो होगा राउंडिंग ऑफ का, तो हम एक बार राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे टू प्लेसेस तक, ओके। एक बार आप देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, परफेक्ट, तो हमारा टू प्लेसेस पे ये राउंड भी होके आ गया है। अब केवल हमें प्लॉट करना रहेगा। प्लॉटिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो हम पीएक्स डॉट बार ही लिख लेंगे यहाँ पे। एंड जो हमारा डेटा फ्रेम है वो हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बनती है, आप पहले भी देख चुके हैं इस बात को। और एक्स एक्सिस पे फ्रेंड हमें क्या करना है, एफिशिएंसी को लिख लेंगे हम, एंड वाई पे हम नेम ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐसे करके देंगे। तो अब आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बन के आ गया, एक ब्यूटीफुल हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बन के आ गया है। अब इसके अंदर जो भी हमें अपनी ब्यूटीफाई करना है इस चार्ट को, रेस्पेक्टिवली हम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं टेम्पलेट दे दूंगा, तो क्योंकि हम डार्क थीम ही यूज कर रहे हैं हर एक चार्ट के लिए, तो प्लॉटली अंडरस्कोर डार्क कर देंगे। एंड कलर दे दूंगा मैं, कलर हम बेसिकली एफिशिएंसी के बेसिस पे ही चेंज कर देते हैं, परफेक्ट। तो एक बार इसको मैं सॉर्ट करके आपको दिखाऊं डेटा को, और आपको अच्छे से समझ आएगी ये बात। बाय एफिशिएंसी, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी मेरा हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स था, जो मेरा डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट्स था, इसका सबसे ज्यादा बड़ा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आया, दैट इज दिस इज हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और जो ब्लूइश शेड में गए हैं दैट इज लोएस्ट एफिशिएंट। तो मेरा सेक्रेमेंटो ट्रीटमेंट प्लांट जो था दैट इज लीस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसका जो हमारा बार है दैट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू ऑल अदर बार्स। सो दिस इज आवर लीस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेक्रेमेंटो, एंड डेनवर इज आवर हाईली एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस तरीके का जो भी हमारा कंक्लूजन आएगा वो हम अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। और अगर हम इसमें चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर, टेक्स्ट के अंदर हम क्या दे देंगे, एफिशिएंसी। कंट्रोल एंटर, तो अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा लेआउट को। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इन वैल्यूज को फिग में ले जाना है, और फिग का जो प्रॉपर्टी होती है अपडेट लेआउट, उसको यूज कर लेना है, परफेक्ट। अपडेट लेआउट में फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले एक बार विड्थ को चेंज कर देते हैं। लेट सपोज अगर मैं 1000 करता हूँ और फिग को शो करवा लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एंटर, ओके, परफेक्ट, विड्थ आ गई है हमारी। इसके बाद मैं टाइटल भी दे देता हूँ यहाँ, टाइटल की जैसे मैंने बताया था मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके लिए हमें डिक्शनरी का यूज करना होगा, और उसमें टेक्स्ट को हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ टाइटल टेक्स्ट क्या होगा, वो हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, एंड इसकी जो पोजीशन होगी उसको हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है। और अगर इसको हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं टाइटल मेरा सेंटर में आ गया है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे नेम की जगह अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट नेम देना चाहें तो
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये y एक्सिस को हम चेंज करना चाहते हैं y एक्सिस के टाइटल को, तो y एक्सिस टाइटल इक्वल टू यहाँ हम दे देंगे लेट सपोज ट्रीटमेंट प्लांट नेम, और अगर इसको हम ओके करते हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ y एक्सिस के टाइटल का नाम चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप भी कुछ प्रॉपर्टीज को कन्फिगर करके खुद से देखिए, ट्राई कीजिए। जब आप प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आप और अपने चार्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा KPI 4। अब फ्रेंड एक बार हम लास्ट में KPI 5 जो हमारी लास्ट KPI है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स जो लास्ट हमारे को KPI जिसके अकॉर्डिंग एनालिसिस परफॉर्म करना है दैट इज डे वाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, और इस बेसिकली एनालिसिस को हमें यूजिंग लाइन चार्ट में ड्रॉ करना है। तो बेसिकली हमारे वीक में मल्टीपल डेज होते हैं जैसे संडे मंडे ट्यूजडे, तो हर दिन अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट्स ने किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीट किया है उसको हमें प्लॉट करना है। और पर्पस बेसिकली ये है हमारा इस KPI का कि ऐसे अगर कुछ हमारे को ऐसा लगता है कि किसी दिन ज़्यादा वॉल्यूम ट्रीट हुआ है किसी दिन कम हुआ है, तो उसको हमें कंक्लूड करना है कि किस दिन किस स्पेसिफिक दिन, या फिर ऐसा कोई ट्रेंड है कि एक स्पेसिफिक दिन ज़्यादा वॉल्यूम ट्रीट होता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई हमें करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर KPI। तो आप देखते हैं किस तरीके से हम इस KPI के अकॉर्डिंग एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट DF था इसी को ही यूज करूंगा। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे को कोई भी फिल्टरिंग या नहीं करनी है क्योंकि हमें ओवरऑल वॉल्यूम को ही एनालाइज करना है यहाँ पे पर डे के बेसिस पे। तो एक बार वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके तो जैसे आप देख सकते हैं वीक डे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे हमारा हर एक दिन का डेटा है, और हर दिन भी अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट्स का डेटा सेपरेटेड है कि सैन फ्रांसिस्को ने मंडे के दिन कितना किया, ऑकलैंड ट्रीटमेंट ने कितना किया, इस तरीके से हमारे पास डेटा ऑलरेडी गिवन है। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ग्रुप करूँ मैं डेटा को, नाउ फ्रेंड्स हमें ग्रुप करना है दो कॉलम्स के बेसिस पे, हमें ग्रुप करना है फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ हमें नेम के बेसिस पे एंड वीक डे के बेसिस पे, क्योंकि हमें ये देखना है कि संडे के दिन जो वॉल्यूम ट्रीट हुआ है उसमें अलग अलग जो ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जैसे सैन फ्रांसिस्को का क्या था, ओकलैंड का क्या था, ये सारी चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है, शिकागो का क्या था, इस तरीके से ये जो चीज रहेंगी हमें यहाँ पे चेक करनी रहेंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ ग्रुप बाय कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड वीक डे। परफेक्ट। एंड फ्रेंड्स मैं एक बार दोबारा से आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो वीक डे हमारा जो कॉलम हमने किया था ये डिराइव्ड कॉलम था, जो हमने डेट के बेसिस पे डेट कॉलम के बेसिस पे इस कॉलम को हमने डिराइव किया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पर्पस क्या था डिराइव का, ताकि हम जो ये KPI 5 है इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस परफॉर्म कर पाए। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या करूँगा वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जो वेस्ट वाटर है ये एंड तो अब आप देख सकते हैं हमारा नेम और वीक डे के बेसिस पे डेटा आ गया है। पर अभी ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में है तो मुझे क्या करना होगा डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में लाना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं एज इंडेक्स फॉल्स। परफेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं शिकागो ट्रीटमेंट प्लांट की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू वीक डेज वो यहाँ पे आ गई हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा इसी डेटा को हमें प्लॉट करना होगा लाइन चार्ट में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमें लाइन चार्ट में इस डेटा को दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले इसको यहाँ पे वीक डे वाइज एक्टिविटी करके ऐसा कुछ मैं डेटा फ्रेम बना लूंगा और कंट्रोल एंटर करके असाइन कर दूंगा उसके अंदर वैल्यू, एंड इस डेटा फ्रेम को कॉपी कर लेंगे हम। ओके सारी वैल्यूज आ रही हैं एंड आप प्लॉटली एक्सप्रेस मॉड्यूल का
लाइन जो मेथड होता है उसका यूज कर लेंगे। अगेन आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, डेटा फ्रेम एक्स वाई सेम ही हमारे को बेसिकली प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो हमें लाइन की फॉर्म में क्योंकि दिखाना है एज पर रिक्वायरमेंट तो हम वो कर लेंगे। बेसिकली कलर भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है, तो मोर और लेस सिमिलर ही प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम को लिखेंगे, इसके बाद एक्स पे हमें क्या दिखाना है, एक्स पे हमें ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम दिखाने हैं तो ये यहाँ आ जाएगा। वाई पे हमें क्या दिखाना है, वाई पे जितना वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीट हुआ है यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड वो आ जाएगा। एंड फाइनली फ्रेंड्स जो डिफरेंट डेज थे उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, जो लाइन्स आए वो डिफरेंट कलर्स के आए, तो कलर के अगेंस्ट मैं क्या करूँगा फ्रेंड यहाँ वीक डे को लिख दूंगा। अब अगर कंट्रोल एंटर करते हैं तो वो आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल लाइन चार्ट आ गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हर एक डे के लिए अलग कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब फ्रेंड्स एक बार हम रेस्पेक्टिव चेंजेस को कर लेते हैं यहाँ पे, जो हम करते हैं बाकी भी चार्ट्स में ब्यूटीफाई के लिए, तो यहाँ प्लॉटली अंडरस्कोर डार्क लिख देंगे हम, कंट्रोल एंटर, परफेक्ट। एंड एक बार पिग में असाइन करके लेआउट को भी अपडेट कर लेंगे, तो पिग डॉट अपडेट लेआउट को हम यूज कर लेंगे यहाँ। एंड सबसे पहले विड्थ को हम स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो विड्थ हो जाएगी। और एक बार टाइटल को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टाइटल के टेक्स्ट में बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं अपने एपीआई से जाके चेक कर लेते हैं, यही टेक्स्ट को हम यहाँ पे टाइटल में डाल देंगे। एंड पोजीशन इसकी हम फ्रेंड सेंटर पे रख लेते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं विड्थ भी कम हो गई है और जो टाइटल टेक्स्ट था वो भी आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो डेज हैं वो रेंडम आ रहे हैं, पहले फ्राइडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, बेसिकली सॉर्टेड डेज नहीं आ रहे जैसे पहले संडे मंडे ट्यूजडे, इस तरीके से डेज नहीं आ रहे हैं, एक रेंडम ऑर्डर में डेज आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप वो एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अपने वीक डेज को सॉर्ट करना है, तो एक लाइब्रेरी होती है सॉर्ट अंडरस्कोर डेटा फ्रेम बाय मंथ और वीक, उस लाइब्रेरी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो एक बार उसको हमें इंस्टॉल करना होगा, मैं इस लाइब्रेरी के डिटेल्स भी आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इस लाइब्रेरी का यूज करके अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। यहाँ पे एक बार ओके तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आया है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरी, आप लोगों के केस में ये फ्रेशली इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है सॉर्ट अंडरस्कोर डेटा फ्रेम बाय मंथ और वीक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस लाइब्रेरी के डिटेल्स, किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड अब यही होगा, हमें इसको इम्पोर्ट करना होगा इंस्टॉलेशन के बाद। तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे इम्पोर्ट स्टेटमेंट एक ही जगह लिखता हूँ, तो मैं टॉप पे इसको भी लिख लूँगा और इसका नाम हम दे देंगे एच डी डब्ल्यू करके, ऐसे ही कुछ भी रैंडम नेम दे देते हैं हम इसको, और ये कंट्रोल एंटर, तो हमारा बेसिकली इम्पोर्ट हो गया है ये। अब लास्ट में हम आ जाएंगे अपना और इस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम सॉर्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे हम, और सबसे पहले तो एच डी डब्ल्यू डॉट, इसमें हमारे को फ्रेंड्स ओके, इसमें हमें फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल हमारे को मेथड्स मिलते हैं, तो क्योंकि हमारा डेटा संडे मंडे फॉर्म में है, वीकडे की फॉर्म में है, तो सॉर्ट डेटा फ्रेम बाय वीकडे,
इस मेथड का हम यूज कर देंगे, डालेंगे। अब इसकी डेफिनेशन में आप देख सकते हैं हमें डेटा फ्रेम और वीकडे, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पास करानी होंगी। तो डेटा फ्रेम तो हमारा यही हो जाएगा, एंड इसका हमें वीकडे करके जो कॉलम है उसको पास कराना होगा यहाँ। परफेक्ट, कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं सारा डेटा मेरा सॉर्ट हो गया है, और हम क्या करेंगे इसको असाइन कर देंगे। एंड अगर एक बार हम इसे रन करके भी देख लेते हैं फाइनल डेटा सेट कैसा है, तो बेसिकली सारा डेटा सेट सॉर्ट होके आ गया है। एंड जब हम अपने चार्ट को दोबारा से कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो अब आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से प्रॉपर सॉर्ट होके आ रहा है। पहले ये डेटा रेंडम फॉर्म में आ रहा था, कहीं पे भी कोई भी दिन आ रहा था, तो अब ये प्रॉपर, पहले जो इनिशियल क्या था ये रेंडम फॉर्म में आ रहा था, अब ये प्रॉपर सॉर्टिंग होके आ रहा है डेटा। एंड फ्रेंड्स अगर हम कंक्लूजन की यहाँ पे बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मोर और लेस, अगर आप यहाँ देखें मोर और लेस जो वॉल्यूम ट्रीट होता है वो सेम ही है डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का, जैसे शिकागो की बात करते हैं या डेनवर, सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स मोर और लेस सेम ही वॉल्यूम ट्रीट होता है डेली के बेसिस पे। बस यहाँ पे जो मेरा सेन डिएगो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर माइनर वेरिएशन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे हमारा मंडे के दिन यहाँ पे कम वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीट हुआ है, तो इस तरीके से हम अपनी एनालिसिस में लिख सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक। अगर हम अपनी एनालिसिस में देखें तो सेन डिएगो का जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें जो मंडे के दिन था हमारा लीस्ट वॉल्यूम हुआ, तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं कि मंडे के दिन उसमें जो वॉल्यूम होता है वो कम रहता है ट्रीटमेंट का जो, या फिर कहीं वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। बाकी अगर ये भी है यहाँ पे भी मोर और लेस जो हमारा सेंट फ्रांसिस्को है इसमें मोर और लेस सेम ही है, बस सैटरडे के दिन ये जो बार है हमारी सैटरडे के दिन स्लाइटली जो है मेरा स्लाइटली जो है वॉल्यूम कम ट्रीट होता है, ये है मेरा सेंट फ्रांसिस्को। तो ये भी हम अपनी जो हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट होगा उसके अंदर ये कंक्लूजन भी, ये दो कंक्लूजन, दैट विल बी, दिस विल बी आवर कंक्लूजन वन एंड दिस विल बी आवर कंक्लूजन टू, तो ये दोनों कंक्लूजन हम मेंशन कर देंगे अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में। तो अब एक बार फाइनली फ्रेंड्स एनालिटिकल रिपोर्ट देख लेते हैं किस तरह से बनानी है हमको और किस तरह से अपनी कंक्लूजन को शेयर करना है। अब लास्ट में एक बार अपने कंक्लूजन में ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट जो होगी फाइनल रिपोर्ट, एक ब्रीफ रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप इस तरीके से एक टाइटल पेज दे सकते हैं अपनी रिपोर्ट का, एनालिटिकल रिपोर्ट का, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट लेट सेव द वाटर, तो दैट विल बी आवर डिटेल रिपोर्ट। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुछ पेजेस को स्किप किया हुआ है पर्पजफुली, पर आप लोग जैसे दे सकते हैं पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिटेल में यहाँ बता सकते हैं कि पर्पज़ क्या था आपको इस एनालिसिस करने का, किन KPIs को आपने एनालाइज किया, KPI एनालाइज्ड, ये भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंटेंट का पेज हो सकता है, जो भी कंटेंट है इसमें, तो इस तरीके से मल्टीपल पेजेस आप और भी ऐड कर सकते हैं इस रिपोर्ट में। एंड अगर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो KPI देखी थी वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड, तो उसके अंदर हमने चार्ट हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा सकते हैं और अपनी एनालिसिस को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट प्लांट इज ट्रीटिंग हाईएस्ट वॉल्यूम एंड सैक्रामेंटो ट्रीटमेंट प्लांट इज ट्रीटिंग लोएस्ट वॉल्यूम। आगे चल के अगर देखें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, इसके अंदर क्या क्या सोर्सेज से था, तो हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज जनरेटिंग ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज ऑफ वेस्ट वाटर, तो इस तरीके से आप अपनी कंक्लूजन को मेंशन कर सकते हैं। हमने यूटिलाइजेशन निकाली थी, तो लॉस एंजलिस ट्रीटमेंट प्लांट इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड, तो KPI में जैसे आप लोगों को पता है हमें हाईली यूटिलाइज ट्रीटमेंट प्लांट निकालना था, तो वो लॉस एंजलिस का था। इसी तरीके से डेनवर ट्रीटमेंट प्लांट था वो हाईली एफिशिएंट था, तो उस कंक्लूजन को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। डे वाइज जो हमने एक्टिविटी की है उसको मेंशन कर सकते हैं, सैन डिएगो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ट्रीटेड ऑन फ्राइडे एंड फॉर मिनिमम वॉल्यूम इज ट्रीटेड ऑन मंडे, इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं।
अपनी कंक्लूजन को, या फिर मैं कर दूं जो भी आपने एनालिसिस परफॉर्म की है उसको कंक्लूड आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट ही आप एंड यूजर के साथ शेयर करते हैं अपनी एनालिसिस की। इससे एडवांटेज ये रहता है कि क्लाइंट जो होगा वो एक ग्लांस में देख लेगा कि डिफरेंट एरियाज में किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एरियाज होते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगर हम करंट कंटेक्स्ट में देखें तो ट्रीटमेंट प्लांट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या एफिशिएंसी, क्या यूटिलाइजेशन थी, किन ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम करने की ज़रूरत है, किन ट्रीटमेंट प्लांट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, किन ट्रीटमेंट प्लांट्स की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, अगर किसी दिन लोएस्ट वॉल्यूम ट्रीट हो रहा है तो उसका रीज़न क्या था, डिफरेंट सोर्सेस से कैसा वॉल्यूम आता है, और अगर किसी सोर्सेस से ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पर्टिकुलर स्टेप्स ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। और एज अ डेटा एनालिस्ट भी आप अपनी एनालिसिस को जस्टिफाई कर पाएंगे यूजिंग दिस रिपोर्ट, क्योंकि आप एक ही चार्ट को नहीं दिखाएंगे, आप इस रिपोर्ट को ही एज अ प्रेजेंटेशन देंगे और अपनी एनालिसिस को जस्टिफाई करेंगे कि ये एनालिसिस थी एंड वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर सेइंग दिस थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दी चार्ट्स। इन चार्ट्स के बेसिस पे आप उन चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। इट्स लाइक बोथ वेज, क्लाइंट के लिए भी एडवांटेजेस रहता है और आप लोगों के लिए भी एडवांटेज ये रहेगा कि आप अपनी सारी एनालिसिस को सिंगल रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है ये एंड टू एंड पाइथन प्रोजेक्ट की 3-पार्ट सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पाइथन से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आपको किस तरह से प्रोजेक्ट चार्टर बनता है, कैसे डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल काम करती है, एंड में किस तरीके से एनालिटिकल रिपोर्ट हम बना के अपने क्लाइंट के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आई होंगी। आपको करना क्या है, आपको खुद से ये सारे प्रोजेक्ट को बनाना है, इस तरीके से एनालिटिकल रिपोर्ट प्रोजेक्ट चार्टर को देखना है, डिटेल में समझना है। और एक सिनेरियो के अलावा आपको मल्टीपल सिनेरियो, जैसे ये तो एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था, आपको अलग अलग एरियाज के भी, अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से एनालाइज करना है, बना के बेसिकली एनालाइज करना है डेटा को, और अपनी एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनानी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पाइथन के और आपको इंडस्ट्री की भी नॉलेज गेन होगी। वीडियो को एंड करने से पहले फ्रेंड, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, नॉट ओनली दिस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पावर बीआई, इन पाइथन हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बनाने वाले हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताऊँ, एयरलाइन मैनेजमेंट, ऑटो इंश्योरेंस, बैंकिंग एनालिटिक्स, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, क्रिकेट एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, रेलवेज, रिटेल, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक प्राइसेस, इस तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।